एपिसोड में, एकेडमिक डिस्कोर्स के एपिसोड में मेरे साथ मेरे पैनलिस के अलावा एक स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं मोहम्मद अली भाई और अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद अली भाई इज़ वेल नो एक ट्रेनर भी हैं और माशा वाईसी के स्पीकर भी हैं बहुत प्रोमिनंट और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोग इनको फॉलो भी करते हैं एंड टेक अ लॉर ऑफ़ इंस्परेशन फ्राम हिम तो चूंकि ख़ुद इनकी जो बैकग्राउंड है वो साइंस से एसोसिएटेड है ख़ुद मैकेनिकल इंजीनियर हैं और फ़िज़िक्स पढ़ाते हैं तो इस हवाले से हमने सोचा कि ज़रूरी है कि हम भी इस शो में इनको इंक्लूड करें ताकि इनसे भी इनका इनपुट लिया जा सके इस हवाले से तो अली भाई के अलावा मेरे साथ एज़ यूजल हमास अशरफ भाई भी मौजूद हैं जो कि वैसे तो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं लेकिन इसके साथ साथ इनकी दूसरी भी रिसर्च है इसी तरीके से मेरे साथ आजयुजल अहमद भाई हमारे प्यारे भाई वो भी मौजूद हैं अलहद ला तो डिस्कशन को मैं स्टार्ट करता हूँ मैं सबसे पहले अली भाई की तरफ आता हूँ कि अली भाई अलहद ला माशा वेलकम टू द शो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि हम देखते हैं ख़ासतौर पर मॉडर्न दुआत को एदायस को और बहुत से लेक्चर यूट्यूब पर भी मौजूद हैं और इवन ऑन स्ट्रीट पर जो लोग ख़ासतौर तौर पर वेस्टर्न कंट्रीज़ में दावत देते हैं अल्लाह ताली के दीन की तो अक्सर अप्रोच ये होती है कि आ, यानी साइंटिफिक इंटरप्रटेशन से मुराद ये है कि साइंटिफिक मेरिकल्स को ये साइंटिफिक मार्वल्स को कुरान मजीद से प्रूव करने की कोशिश करते हैं लोग आते हैं उनको कहते हैं देखें जी ये चीज़ जो आज साइंस प्रूव कर रही है ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आ, या फिर कुरान मजीद ने फोटी हंड्रेड ईयर्स को ये सारी चीज़ें मैंशन कर दी थी तो मेरा आपसे सवाल ये है कि वाई इज़ दिस अप्रोच बींग यूज़ इन मॉडर्न टाइम्स पहले भी दावत होती थी दीन की आ उस वक्त अल्लाह के रसूल रसम के दौर में या उसके बाद भी चौदह सौ सदियों की हमारी लेगेसी है तो आज इस अप्रोच को क्यों यूज़ किया जाता है क्या ऐसे महरक हैं क्या ऐसे यानी ऐसी नीड है ख़ासतौर पर लोगों के क्या ऐसे शबहत हैं या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनकी बुनियाद पर इसकी ज़रूरत पड़ी और इसके क्या क्या फ़वाद हो सकते हैं जी जजाक खैर फर्स्टली इट्स एन ऑनर टू बी इन द शो विद ऑल ऑफ यू आ, देखें मैं 2007 में दीन की तरफ आया और वो दौर ना बड़ा पीक का दौर था इस्लामिक मीडिया का इन देंस के हम नया नया देख रहे थे कि यार इस्लामिक स्पीकर्स आ, सच एज़ डॉक्टर जाकिर नाइक और डॉक्टर इसरार अहमद रहीम वो लोग काफ़ी ज़्यादा मीडिया पे आते थे और डॉक्टर जाकिर नाइक का मुझे अभी तक याद है कि मैं इतना फैसिनेट हुआ एक लेक्चर के कुरान एंड मॉडर्न साइंस तो देर इज़ अ होल जनरेशन लेट मी टेल यू स्पेशली 2010 के बाद हु ग्रू अप विद दिस फैसिनेशन अबाउट मेंशन ऑफ साइंस इन द कुरान और मेंशन ऑफ साइंटिफिक फैक्ट्स इन आर रिलीजन हम चाहे जो मर्जी कह लें लेकिन वो जनरेशन इस चीज़ से इम्प्रेसड है मतलब जब हम अवामानन्नास में उठें बैठें uh, मुझे अभी तक याद है कि मैंने 2011 में एक मस्जिद में लेक्चर दिया था फैसलाबाद की एक मस्जिद थी रमजान में यही डॉक्टर जाकिर नाइक वाला कुरान एंड मॉडर्न साइंस तो बहुत ही अच्छा रिस्पांस आगे से जो ऑडियंस थी उनका स्पेशली कुछ प्रोफेसर थे ऑडियंस में मुझे बाद में आके मिले भी तब खैर मैं इतना जाहिर है कि अपनी वो कह लें कि एक प्रोफेशनल या एक इस तरह की तालीम ने शुरू की थी आ, उसके साथ जैसे कि बाद में मैंने जाके के असूल तफसीर भी स्टडी किया में उठना बैठना शुरू किया तो उस वक्त मेरे लिए भी ये बहुत एक फैसिनेशन की बात थी कि देखो पढ़ा लिखा तबका दे आर एप्रीशियटिंग इस्लाम मेरे जहन में यह था कि दे आर एप्रिशिंग इस्लाम बिकॉज ऑफ़ दैट एंड देर एप्रीशिंग कुरान वगैरह वग़ैरह तो ये अवाामनास में एक सोच है ये मेरा पूरा तमहीद बांधने का मकसद ये कि हम चाहे इसका इनकार जितना मर्ज़ी कर लें लेकिन अवास इन चीज़ों से इंप्रेसड होती है अब क्यों होती है उसकी वजह मुझे जो समझ आती है देखें वेस्ट की एक पूरी स्ट्रगल है चर्च की वर्सेस साइंस और साइंटिस्ट को बहुत ज़्यादा जो है वो चर्च ने जाहिर है कि टॉर्चर भी किया और बहुत ज़्यादा स्नब किया बहुत ज़्यादा दबाया जिसकी वजह से वो ये समझते हैं कि हमारी एक बहुत बड़ी फतह है कि हम सुपरस्टिशन से निकल के और फजूल चीज़ों से निकल के हम साइंस की तरफ़ आएँ फॉर देम साइंस इज लाइट फॉर देम साइंस इज एलूमेशन राइट अब वो उन्होंने इतना ग्लैमराइज साइंस को किया और इतना अपनी वो पब्लिक कह लें कि मार्केटिंग की इस हवाले से कि हम डार्कनेस से निकल के लाइट की तरफ आए बिकॉज ऑफ साइंस जिसकी वजह से आज के दौर में खसूस बीसवीं सदी इक्कीसवीं सदी साइंस एक बहुत आप कह लें कि ऐसी चीज बन गई जिस तरह लिटरली एक रिलिजन है हुँ. अब सर सैद अहमद खान साहब की आप अप्रोच देखें कि वो भी इतना मुतासर हुए इस चीज़ को लेके ये इस पर रोशनी बेहतर आप लोग ही डालेंगे जाहिर है उनकी अप्रोच पे लेकिन उन्होंने भी मुसलमानों की तवज्जो इसी तरफ़ दिलाई कि साइंस पढ़ो बिकॉज दिस इज़ द फ्यूचर वेपन पहली बात हाउएवर वो फिर हर चीज़ साइंस के थ्रू प्रूव करने में लग गए जब वो एक और अप्रोच है तो इसमें इनकार की कोई बात नहीं है कि ये एक बहुत पावरफुल टूल है बिकॉज पीपल आर मावल्ड इट पीपल आर फैसिनेटेड बाई इट Uh, इसको मार्केट इसको पब्लिसाइज इस तरह से किया गया एज अ रिलिजन लिटरली एज अ रिलीजन और साइंटिस्ट को एज़ प्रॉफिट सीधी सी बात है इन दैट सेंस यानी कि उनको उनकी बात को हतमी लिया जाता है साइंस को एबसोलूट ट्रूथ समझा जाता है जो कि गलत सोच है आई एग्री। तो मैं इस पर अब कुछ तीन चार बातें आपको बताता हूँ कि अप्रोच जो मुझे समझ आती हैं अवाामनास की लैंग्वेज में या अवान्नास को अगर मैं रिप्रजेंट करूँ एक अप्रोच डॉक्टर झकिरनाए हफीज़ा उल्लियन कि हर दौर में एक मार्वल होता है उस दौर में पोइट्री थी इस दौर का जो मार्वल है या पीक का जो नॉलेज है कह लें साइंसिस में पीक का जो एकेडमिक एक डिपार्टमेंट है वो साइंस है मॉडर्न साइंस इसलिए उन्होंने मुनासिब समझा कि हम इस अप्रोच से आए कि कुरान में जो साइंटिफिक फैक्ट्स मैंशन है वो लोगों को बताएं ताकि जो पढ़ा लिखा तबका एकेडमिक्स हैं वो कहें कि यार वाकई दिस इज़ अ डिवाइन बुक क्योंकि ये उन फैक्ट्स को मेंशन कर रही है दूसरी अप्रोच कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं स्पेशली वेस्टर्न डाइज कि हमारी जो नौजवान नस्ल है दे आर लूजिंग फेथ उनका ईमान जा रहा है जब वो कुछ ऐसी बातें सुनते हैं जो वो हज़म नहीं कर पाते डाइजेस्ट नहीं कर पाते बिकॉज ये दिस इज़ अ एज ऑफ साइंस एंड लॉजिक एंड रीजनिंग एंड फैक्ट्स तो वो ये कोशिश करते हैं कि हम उस नौजवान नस्ल को हज़म कराने की कोशिश करें साइंस के थ्रू बहुत सी चीज़ें जैसे याजूज माजूज का इशू उठा लें ठीक है दज्जाल का इशू उठा लें या जैसे बहुत सी ऐसी चीज़ें जो मुतशाबहत हैं परप्स उनका इशू उठा लें तो उनकी नीयत और अप्रोच ये होती है कि हम साइंस की कुछ ऐसी बातें कुछ ऐसे मार्वल्स बताएं कि इनको ये चीज़ भी हज़म हो जाए जन्नत दोजख़ बरज़ख़ख़ख़ एंजल्स की एग्जिस्टेंस जेंट्स की एग्जिस्टेंस जैसे वो ये कहेंगे कि मिसाल के तौर पर डार्क मैटर डार्क एनर्जी भी तो नज़र नहीं आता तो उस पर भी तो आपका बिलीफ है ठीक है तो इसी तरह जेंट्स को क्वेश्चन करना हेल फायर को हेवन को क्वेश्चन करना हाउ कैन यू क्वेश्चन दीज थिंग्स जबकि साइंस बहुत सी हमें सिमिलर uh, तो नहीं चले कहेंगे लेकिन ये कि क्लोज़र टू दैम ऐसी चीज़ें हमें बता रहे हैं तो उनकी अप्रोच ये और उनकी नीयत ये है लेकिन एक तीसरा तबका है जो मैं समझता हूँ एक्स्ट्रीम पर वो ये कहते हैं कि साइंस अल्टीमेट ट्रूथ है और साइंस की नज़र से हर चीज़ को हमने देखना है और ज़बरदस्ती हमने हर चीज़ को साइंस से साबित भी करना है डाइजेस्टेबल बनाने के लिए और साइंटिफिक भी साबित करना है जैसे ऐसे लोग भी गुजरे जिन्होंने मेरेकल्स तक का इनकार कर दिया hmm. उन्होंने कहा कि नहीं ये जो आ, असाबुल फील वाली जो बात है ये जो स्टोन्स गिरे उन पर बेग ले के और फिर वो क्या हुआ तो वो उसकी उन्होंने एक अलग ही साइंटिफिक इंटरप्रटेशन दे दी सो दैट पीपल कुड डाइजेस्ट इट फिर मूसा इस्लाम का जो पूरा मोजा है कि समंदर को उन्होंने जो है वो किया सेपरेशन क्रिएट की उसके बारे में भी एक ऐसी इंटरप्रटेशन मिल जाएगी कि आम आदमी जो साइंटिफिक सोच वाला है कि हाँ नाउ इट्स डाइजेस्टेबल टू मी तो ये एक एक्सट्रीमिस्ट तबका है जो ज़बरदस्ती हर चीज़ साइंस से साबित करने की कोशिश करते हैं यही तीन अप्रोचेज़ मुझे नज़र आई मेरे ख्याल में अवामनास भी इसको इसी तरह देखती है और मार्वल होती है फैसिनेट होती है ज़क़र खैर अली भाई मैं अब आपकी मतलब बड़ा अच्छा आपने बयान किया रीजंस व्हाई पीपल इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट तो मजीद इस पर डिस्कशन इनशाला होगी और इसकी लमिटेशन पर आने से पहले मैं चाहूँगा कि हम एक्चुअली साइंस को डिफ़ाइन कर लें क्योंकि बहुत से लोग साइंस को शायद समझ नहीं पाते और उसको ना समझने की वजह से प्रॉब्लम ये आती है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको साइंसी दुनिया साइंस नहीं कहती उसको हम साइंस एज्यूम करके कुरान से साबित करने की कोशिश कर रहे होते हैं जिसकी वजह से ना सिर्फ सैंटिस्ट हमारे खिलाफ़ बोलते हैं इस लोगों के खिलाफ बल्कि रिलीजियस ऑब्वियसली चूँकि वो साइंस इट नहीं होती exactly. और उसके पीछे कोई सब्सटैशियल एविडेंस नहीं होता जी. तो रिलीजियस कम्युनिटी भी उसके खिलाफ होती है तो फिर वो ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं तो आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट कि हम यहाँ पे साइंस को डिफाइन करें ताकि हमारे नज़दीक ये वाजे हो जाए कि वर्ड इज़ एक्चुअली साइंस और क्या क्या चीज साइंस साँग, साइंसी साँग, दुनिया में साइंस कंसिडर की जाती है और फिर हम इन शे लिमिटेश पर बात करेंगे तो इस हवाले से मैं वास भाई आपको चाहूँगा कि आप इस पर इंशाला कमेंट करें हाँ जी बिल्कुल आ, आपने बहुत ज़बरदस्त बात की है क्योंकि ये जो साइंस और ये जो मसला आता ही इस वजह से कि लोग जो हैं वो समझते हैं नहीं है कि एक्चुअली में साइंस कहते किसे हैं या या उन्हें ये नहीं समझ होती कि साइंस क्या है और या उन्हें ये भी नहीं पता होता कि दीन एक्चुअली में क्या है और किस आ, चीज़ को एड्रेस करता है समटाइम्स ये दोनों जो फील्ड्स हैं ये इंटायरली डिफरेंट टॉपिक्स को हैंडल कर रही होते हैं तो सबसे पहले हम हैंडल करते हैं साइंस एक्चुअली में कहते किसे हैं एज सच उसकी डेफिनेशन क्या है एक्चुअली में साइंस उस एक प्रोसेस है ठीक है ना प्रोसेस uh, जिसके जरिए हम डिस्कवर करते हैं आइडेंटिफाई करते हैं अपनी वर्ल्ड व्यू को नेचुरल वर्ल्ड व्यू को फिज़िकल वर्ल्ड्स को जिसमें हमारी पांच सेंसेस इस्तेमाल होती हैं और वो साइंटिफिक प्रोसेस क्या है वो जो द साइंटिफिक मेथड जो हमने पढ़ा भी हुआ है मतलब यानी हमारी बुक्स में वो क्या है वो है कि अगर हम ऑब्जर्वेशनस uh, को देखें ऑब्जर्वेशन के जरिए हम एक हाइपोथिस निकालें हाइपोथिस पर फिर हम एक्सपेरिमेंट करें और फिर उनके रिज़ल्ट एनालिसिस करें और वेंचुअली एक थ्यूरी प्रजेंट करें ठीक है तो दिस इज दिस प्रोसेस इज़ एक्चुअली कॉल्ड साइंस तो लोग इसमें कई दफ़ा डिस्टर्बेंस किस चीज़ की होती है वो ये होती है कि लोग समटाइम जो इसका पहला मामला है ना ऑब्जर्वेशन जो चीज़ एक ऑब्जर्वेबल फैक्ट होती है ठीक है ना कि ऑब्ज़र्वेशन होती है उसको कॉन्फ्लेट करते हैं कई दफ़ा कि साइंस क्या है साइंस एक्चुअली में इस प्रोसेस से गुजरने को साइंस कहते हैं कि कोई भी चीज़ साइंस तब कहलाती है जब वो इस प्रोसेस के ज़रिए गुजरी होती है ठीक है यानी साइंस जब किसी चीज़ को ऑब्जर्व करके इस प्रोसेस को अप्लाई करके किसी कंक्लूजन <coughs> पे आता है उसको साइंस कहते हैं इसको साइंस कहते हैं ऑब्जर्वेशन एज सच ये होती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई चीज़ नोट की एक फिनिना जो कि एक रिपीटेड फिनमिना है जो कि ऐसा ऑब्जर्व करता है नेचर में एज सच और उसको आ, हम एज़ इट इज़ मानते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आपने एक मैयर की है क्या कहते हैं एक यहाँ पर एक छिपकली है उसकी मैं दुम मैर करता हूँ कहता हूँ कि फिफ्टीन सेंटीमीटर है अब ये एक चीज़ ये एक ऑब्जर्वेशन है ठीक है ना ये इस पूरे प्रोसेस से नहीं गुजरी जो कि मतलब आपका साइंस का प्रोसेस है तो इस चीज़ को हम साइंस नहीं कहेंगे कि सिर्फ ये जो हमने दुम मैर की इसको ये या फिर जो चीज़ बिल्कुल ऑब्जर्वेबल फिनमिना है ये जो इस तरह की चीज़ होती है उसको साइंस नहीं कहा जाता ठीक है साइंस उस चीज़ को कहा जाता है जो इस एक प्रोसेस के जरिए लेकिन के अगर आप इसी मिसाल को आगे लेके चलें अगर हम को मेजर करें और उसको फिर किसी एक्सपेरिमेंटेशन या किसी प्रोसेस के थ्रू गुजार के हम इसको फैक्ट डिक्लेयर कर सकते हैं अगर मतलब यानी दो मैय करने से होता है उसके आगे, आगे उस डाटा से आपने कुछ निकालना होता है थीक है थीक है ठीक ठीक ना कोई कंक्लूजन निकालना होता है अब फॉर एग्जाम्पल हाइपॉथिस किसे कहते हैं अगर आपने तीन चार ऑब्जर्वेशन किए किसी चीज की तो हाइपोथिस आपका एक इन्फॉर्म्ड गैस होगा ठीक है जिसमें आप कहेंगे कि अच्छा मुझे फॉर एग्जाम्पल आप देखते हैं कि लाइट जो है वो जो है वो रोशनी जो है वो सीधी ट्रेवल करती है ठीक है स्ट्रेट लाइंस में। स्ट्रेट लाइंस में ट्रेवल करती है तो आपने ऑब्जर्व किया तो आप एक एक्सपेरिमेंट उसमें हाइपोसिस निकालते हैं क्या लाइट सीधी ट्रेवल करती है डज लाइट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन फिर आप एक स्लिट एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसके अंदर ना आप होल्स बनाते हैं और एक जगह कैंडल लगते हैं।, हैं देख ऑब्जर्व करके बताते हैं एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं हाँ ये जितनी दफा अब हम हाँ। उस हाइपोथेसिस को या तो सही या गलत करने हाँ। की कोशिश कर रहे हैं, और हैं उसके बाद जो है ना जब हम देखते हैं रिपीटेडली एक्सपेरिमेंट में वो ये रिजल्ट आ रहा है ठीक है तो फिर हम उसे कहते हैं कि ये जो है लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन और ये हमने एक थ्योरी दे दी यानी साइंस की नेचर ये है कि पहले एक हाइपोथेसिस थी उसके बाद उसको टेस्ट किया फिर रीटेस्ट किया फिर चैलेंज किया फिर नई चीज की वगैरह इसकी नेचर ये इसकी नेचर ही और इसकी डेफिनेशन एज सच भी यही है ठीक है कि इस इस प्रोसेस को कहा जाता है लोग कंफ्लेक्ट जब करते हैं ना कि एक ऑब्जर्वेबल है जैसे फॉर एग्जांपल कई कुरान एड्रेस करता है अपना मतलब यानी बारिश को या पहाड़ों को वो ये चीज को करें साइंस है ठीक है, 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 है।, है।, है कि बेसिकली और अगर हम देखें कि अवलम के लफ्स इस्तेमाल है देखने के ऑब्जर्वेशन के अल्फाज हैं तुब सीरून के अल्फाज हैं तो ये सारी वर्ड्स uh, कुरान मजीद यूज़ कर रहा है बेसिकली ऑब्ज़र्वेशन के लिए बात कर रहा है तो कुरान मजीद का प्राइमरी फ़ोकस जो इंसानियत को बेसिकली वो साइंस बताना नहीं है बल्कि वो ऑब्जर्वेशन है कि वफ़ी अफला अनफिकतु सिरों क्या तुम अपनी जानों में नहीं देखते क्या तुम देखते नहीं हो बसी बसीरत जिसे कहते हैं देखना गौर गौरव फ़िक्र करना तो आई थिंक इसको गौर गौरव फ़िक्र को और ऑब्जर्वेशन को डिफ्रेंशिएट करना चाहिए एक साइंटिफिक प्रोसेस से तो उसको हम साइंस नहीं कह सकते

तो इसको हम अगर हम साइंस को बयान करें तो ये तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस वाली बात है कि हम कुरान में जी से साबित करें मैं इस बार हम सिर्फ किसी ऑब्जर्वेबल फिनमिना की बेसिस पे कहें जी कुरान ये कहता है exactly. और एक चीज़ सॉरी और इसमें में अवन्नास के हवाले से ऐड कर लें कि ये जो सोच बन चुकी है कि जब तक एक चीज़ साइंटिफिक मैथड से गुजर के नहीं आएगी तो हमारा उस पर बिलीफ नहीं होना चाहिए ये सोच को भी मैं चाहता हूँ आप रोशनी डालो हाँ जी अब ये जो दोनों अप्रोचेज हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये साइंटिफिक प्रोसेस से गुजरेगी तो फिर जो चीज़ बनेगी वो क्या है वो और लोग एक और चीज़ बताता बताऊँ नई फ़िलासफी ऑफ साइंस के मुताबिक हम एक पुरानी हम यहाँ पर टर्म पढ़ते रहे हैं लॉ ठीक है ना लॉ अब एक आउटडेटेड टर्म है वो कहते हैं कि अब क्योंकि हम इसे लॉ नहीं कहते क्योंकि कई लॉज जो है, वो हैं वो चेंज हो गए लॉ से मुराद अब लॉ ऑफ नेचर लॉ ऑफ नेचर की बात <coughs> है जो कि वो एक्सपेरिमेंटेशन के बाद जो कहते हैं कि ये लॉ वो उसको भी उन्होंने अब एज अ टर्म थ्योरी में लिया है द हाइस्ट सर्टर्निटी जो आप रीच कर सकते हैं ना साइंस के अंदर वो एक थ्योरी होती है

यहाँ पर लेकिन इस सारे प्रोसेस की ना कुछ लिमिटेशन हैं जो कि आप लोग समझते नहीं हैं ठीक है, है? Hmm. वो क्योंकि क्योंकि वो लोग समझते नहीं वो इसको एज आ इस तरह समझते हैं कि ये नॉलेज uh, का सर्टेन ट्रूथ है वो सर्टेन है 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 एंड इट्स इट्स नॉट नॉट सब्जेक्ट सब्जेक्ट टू टू चेंज चेंज ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम ठीक है। है। क्योंकि साइंस जो है फंडामेंटली उस uh, उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं कि ये इट इज नॉट सर्टेन ठीक है ना ये इसने अपना वो स्पेस छोड़नी है ऑफ सब्जेक्ट टू चेंज ठीक है ठीक है

नहीं करते जो वो है ड्यूअल वो नेचर है ये ड्यूअल नेचर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो फिर उसे चेंज कर देती है बात को आगे यानी तो इसका तो मतलब तो है कि एक जमाने में साइंस या ये था एक्सपेरिमेंटेशन फॉल्सिफिकेशन करके चेक किया और वो थ्योरी तक पहुंचे जी वो उस पे पूरा सर्टेन थे, थे जी ये कम्युनिटी का जब हमारे का। पास नया डाटा आता है ठीक है तो फिर हम वो चीज चेंज कर लेते हैं ठीक है अब ऐसी चीज जो कि इतनी चेंजेबल चीज होती है उसको अगर आप एक ट्रुथ की सोर्स समझ लें तो आप हमेशा मिस्टेक रहेंगे जो कि सब्जेक्ट टू टाइम है जैसे मिसाल तौर पे एक बंदे ने सौ साल पहले आईज पे कोई किताब लिखी हुँ, हुँ. आई के पूरी वर्किंग पे हुँ. अब वो किताब सौ साल बाद कितनी ऑथेंटिक है इस पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बिल्कुल नॉलेज कितना बड़ है। बड़ 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 चेंज हो रहा है नई नई एडिशन ना सिर्फ ये चेंज होता है किसी नई थ्योरी की तरफ ये होता है कि पुरानी थ्योरी जो होती है वो भी वापस आके मतलब यानी वायबल हो जाती है ये दोनों चीजें होती हैं इस तरह नहीं है कि मतलब यानी वन वे स्ट्रीट है अच्छा है? हमास मैं आपका एक पुराना एग्जाम्पल लेके ही ना उसको अपने तौर पर ना उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ और आप मुझे बताएं कि मैं सही समझाऊँ कि नहीं आपने छिपकली वाली मिसाल ले लेते हैं लेट्स के हम लोग छिपकली की दुम को जो है ना मेजर करते हैं और वो फिफ्टीन सेंटीमीटर्स है और फिर हम सोचते हैं अच्छा क्या है, ये सब छिपलियाँ जो हैं उनकी दुम 15 सेंटीमीटर्स ही होती हैं रिगार्डलेस ऑफ देयर ओरिजिन कि जब वो फुली ग्रोन होती है तो 15 सेंटीमीटर्स होते हैं तो हम सारी छिपकियाँ जो है ना उनको ऑब्जर्व करते हैं उनकी दुमों को मेजर करते हैं और 15 सेंटीमीटर्स हमेशा वही निकलता है तो कैन वी कंक्लूड साइंस कंक्लूड कर सकता है कि यार लिजर्ड लिजर्ड्स हैव ए टेल ऑफ क्या ये थ्योरी अगर बारे? हम ये कंक्लूड कर लें और फिर हो सकता है हमारी ऑब्जर्वेशन कल चेंज हो जाए हम साउथ अमेरिका में किसी चिपकली को नोटिस करें जिसका जिसकी दुम जो है ट्वेंटी सेंटीमीटर है तो इज दिस गुड एग्जाम्पल के वेयर साइंस वुड वॉब्ली चेंज इट्स कंक्लूजन मैं यहीं पर लेके ले आना चाहता हूँ अच्छा अब दो एक चीज इसमें सबसे पहले सुन लें कि इवन जो हमारे फिजिसिस्ट हैं और साइंटिस्ट हैं वो इस चीज को एडमिट करते हैं कि साइंस इज नॉट सर्टेन ठीक है फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हैं एक कार्लो रोवेली ठीक है एक थोरेटिकल फिजिसिस्ट हैं और ये प्रोफेसर ऑफ फिज़िक्स भी हैं स्पेस टाइम के और इन्होंने बाकायदा यही कहा है कि हम इसको ये कहते हैं कि साइंस इज़ नॉट अबाउट सर्टेनिटी हम इसको सर्टेनिटी ले लेते हैं और इसी के रेफरेंस में इसकी दो एक फंडामेंटल्स प्रॉब्लम आती हैं फिलोसफी ऑफ साइंस की जिसकी वजह से साइंस कभी भी सर्टेन नहीं हो सकती प्रॉब्लम नंबर वन जो है साइंस की उसे कहा जाता है द इंडक्शन प्रॉब्लम ठीक है इंडक्शन प्रॉब्लम या द ब्लैक स्वान प्रॉब्लम इंडक्शन प्रॉब्लम द ब्लैक प्रॉब्लम असल में ये क्या है कि हम एक लिमिटेड सेट ऑफ डेटा यूज करते हैं ठीक है ठीक है पॉइंट ए और पॉइंट बी ये है कि वी मेक प्रोडिक्शन यूजिंग दैट लिमिटेड डेटा टू मेक जनरल कंक्लूजन चिपली है? वाली में हाँ जी बिल्कुल वही जो छिपली वाली एग्जांपल है की वो ये हमने अगर एक स, बंच ऑफ साइंटिस्ट हैं उन्होंने उन्होंने वो ऑब्जर्व 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 किया 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 कि जितना भी उन्होंने किया, उसमें 15 सेंटीमीटर ही आ रहा है ठीक है तो उन्होंने अपनी तरफ से पूरा पेपर पब्लिश कर दिया लॉ पब्लिश कर दिया कि जी ये हर छिपली की दुम पंद्रह सेंटीमीटर की है ठीक है ठीक है लेकिन क्या हुआ कि कुछ अरसे बाद जो है उन्होंने मिसाल के तौर पे उन्होंने साउथ अमेरिकन छिपलियों को देखा उन्होंने कोई नई छिपली की वो चीज देखी या उस चिपकली को कहीं और देखा तो उन्हें नजर आया कि उसकी साइंस डिफरेंट है ठीक है तो ये जो होता है ये प्रॉब्लम होता है नॉवल ऑब्जर्वेशन का ठीक है कि आपने एक ऐसी नई ऑब्जर्वेशन दी है जो कि आपने कंसिडर नहीं किया और उससे पहले ही आपने अपने लिमिटेड डेटा की बेसिस पे जनरल कंक्लूजन बना दिया ठीक है तो ये साइंस की एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है जिसको हम कहते हैं द इंडक्शन प्रॉब्लम और इंडक्शन जब भी आप करेंगे कि यानी स्पेसिफिक डाटा से जनरल कंक्लूजन निकालेंगे आप हमेशा इस मसले में आ सकते हैं ठीक है हुँ. और ये चीज़ है कि जब तक आप और ब्लैक स्वान प्रॉब्लम इसलिए कहा जाता है उसे क्योंकि ये एक्चुअली में हुआ ये था कि यूरोप में अठारवा सेंचुरी तक अट्ठारहवीं सेंचुरी तक उन्होंने जितनी भी स्वान्स ऑब्जर्व की थी ना वो वाइट रंग की थी ठीक है और उन्होंने ये कहा कि सारी स्वान्स जो हैं वो वाइट रंग की होती हैं ठीक है और बाद में ये हुआ कि अठारवी सेंचुरी में उन्होंने डिस्कवरी की और पहली दफ़ा उन्होंने ब्लैक स्वान ऑब्जर्व की

साइंस uh, की बेसिकली uh, जो स्ट्रेंथ है दैट इट्स इट्स एक्चुअली रिवॉल्विंग एंड ये खूबसूरती है साइंस की ये उसकी सबसे बड़ी वीकनेस भी बन जाती है या फिर आप समझ लें जो इसकी वीकनेस है कि इट्स चेंजिंग ये उसकी स्ट्रेंथ भी है बिल्कुल uh, uh, मतलब आ, इसकी ड्यूल नेचर है कि अगर हम इसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल चेंज नहीं करेगी तो फिर साइंस ग्रो नहीं करेगी लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल हम इसको साइंस को ग्रो करने वाला मान लें और कहें कि एवर चेंजिंग है

हर दफ़ा सेम चीज़ आई जा रही है हर दफ़ा ये आई इसके बावजूद ये किस तरह आप कह सकते हैं कि मतलब ये इतनी मतलब यानी ये, ये भी चेंज हो जाएगा ये भी सर, चेंज हो जाएगा मतलब कई इस तरह की ऐसी थ्योरीज हैं जो लोग बिल्कुल फैक्ट लेके बैठे हैं अब वो चीज़ होती है वो दूसरी प्रॉब्लम जो साइंस की है वो इसमें आती है उसे कहते हैं द स्केटरग्राफ प्रॉब्लम ठीक है स्कैटरग्राफ प्रॉब्लम ये होता है बेसिकली कि आपके पास एक ऐसा डाटा है ऑब्जर्वेशन का डाटा है और आपको उसके ऊपर जो हाइपोथिस या थ्योरी बना रहे हैं ना वो एक जाविये से बना रहे हैं सिर्फ ठीक है? है और जब हो ये सकता है कि अगर आप उसको दूसरे परस्पेक्टिव से देखें तो बिल्कुल ही पूरी डिफरेंट थ्योरी उससे निकलती, निकलती निक है ठीक है, है? यानी एक सेट ऑफ डाटा से कोई पांच छह कंक्लूजन निकल सकते हैं ठीक है ठीक है डिफरेंट कंक्लूजन निकल सकते हैं डिफरेंट थ्यूरीज प्रोड्यूस हो सकती हैं और इसकी मैं मिसाल देता हूँ फॉर एग्जाम्पल एक रिसेंटली 2019 में ये एक थ्योरी चैलेंज हुई है कि सबसे पहले वो कहते थे कि जो स्पेस है इज एक्जैक्टली मतलब यानी इज अ फ्लैट मतलब यानी फ्लैट प्लेन ठीक है स्पेस और 2019 में एक पेपर पब्लिश हुआ जिसने कहा कि नहीं नहीं स्पेस जो है वो एक्चुअली में पूरा वो राउंड है इट्स लाइक अ फियर और जो जितनी भी थ्योरीज उन्होंने उस पर फ्लैट सरफेस सोच के पब्लिश की थी ना वो सारी की सारी जो हैं वो अब राउंड के मुताबिक भी उस, उस तो तो जो जो पर भी, भी देखनी पड़ेगी ठीक है क्योंकि वो उस न ही वायबल है दूसरी तरफ इसकी एक और मैं मिसाल देता हूँ फॉर एग्जाम्पल जो हमारी फेमस एक एक प्रोफेसर है फिलोसफी ऑफ साइंस के जिनका नाम है थॉमस खुन और उनकी एक बड़ी ज़बरदस्त बुक है जिसका जिसका नाम है द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन उन्होंने बकायदा ये जो चेंजेस ऑफ पूरे पैराडाइम शिफ्ट हैं ना इनको रिकॉर्ड किया ठीक है कि क्या क्या हुआ फॉर एग्जांपल साइंस किस चीज़ को बिल्कुल फैक्ट समझती थी हुँ. अच्छा और रिकॉर्ड किया बकायदा हाँ, और फॉर एग्जांपल उसके अंदर ये था यही जो आपने मिसाल दी थी जैसे ही और ये उसमें ये भी है उसके अलावा फर्दर न्यूटोनियन फिजिक्स जो है जी 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 देखिए न्यूटोनियन फिजिक्स के ऊपर जो है ये सारी चीजें होती थी इस से हम देख सकते थे ग्रेविटी पुलिंग फोर्स थी ठीक है ना और लेकिन जब अब ये नई रिलेटिविटी की थ्योरी आई है ठीक है, है? यानी ये बिल्कुल फंडामेंटली डिफरेंट जाविये से देखा जाता है और वो मतलब यानी चलती है ठीक है ना अच्छा एक यहाँ पर लोगों अक, का ना एक मिस्टेक आती है ठीक है लोग

इग्नोर कर रहे हैं कुछ को एक्सेप्ट कर रहे हैं उस जाविये से अगर देख रहे हैं तो 99 परसेंट है मगर अगर आप और जावियों से देखते हो तो वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट भी है और इसके बारे में बहुत लिखा गया बिल्कुल बिल्कु आपकी बल्कि इसी बात पे आप आ गए हैं तो मैं बताता हूँ कि इवन रिचर्ड डॉकिंस जो कि फेमस hmm. एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट है उसने भी एक स्टेटमेंट दिया है डार्विनिज्म के ऊपर जो कि एक एक्सेप्टेड थ्योरी है मतलब जिसको लोग लाइक दीन की तरह फैक्ट मानते हैं इवन उसने साइंस की नेचर के मुताबिक उसने बात की उसने कहा है बट वी बस एक्नोलेज द पॉसिबिलिटी दैट न्यू फैक्ट्स में कम टू लाइट विच विल फोर्स अवर सेंचुरी टू अबेंडनिज्म और मॉडिफाइड बियॉन्ड रिकग्निशन ठीक है कि पता, पता भी नहीं लगा, भी भी लगा, भी भी लगा की ये इतनी चेंजेबल चीज है ठीक है ना और इसके इसको एक अपना ट्रुथ का जाविया बनाना इसको एक बेंचमार्क बनाना जज अदर ठीक है और क्योंकि ये खुद चेंज हो रहा है तो फिर जाहिर है, जाहर है सो आप जज कैसे कर सकते हो इसके साथ अच्छा इसमें मैं बस एक एक जनरल पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि लोग समझते हैं उन्होंने कहा कि क्या आप कह रहे हैं कि ये थ्योरीज बिल्कुल चेंज हो जाती है लेकिन पहले भी वर्क तो कर रही थी हाँ इसका ये मतलब नहीं है थ्यूरीज एक पैराडाइम्स होते हैं इसका ये मतलब नहीं है कि वो चीज़ वर्क नहीं करें इसका ये मतलब भी नहीं है कि सरासर झूठा उससे कोई हमें सही कंक्लूजनस मिले भी नहीं न्यूटोनियन मैकेनिक्स ने बड़ी चीज़ें हमारे सामने जो है वाजे की हैं बिल्कुल अब मैं अब ये कहना चाह रहा था कि इसमें यह है कि थ्योरीज वर्क इवन इफ दे आर रॉन्ग जी, exactly. थीवरी थीवरी work, for हाँ, और आप ये नई वाले से भी करें वो होगा इसका ये मतलब नहीं है कि अगर थ्यूरी चेंज हुई है तो इसका मतलब वो वर्केबल नहीं है ठीक है साइंस इसलिए लोग कहते हैं क्योंकि दिस इज अ वर्केबल मॉडल ठीक है और समटाइम्स एक बहुत प्राइम एग्जाम्पल जो है आजकल की वो ये है कि अब जो रेलिटिविटी जनरल रेलेटिविटी थ्योरी है थ्योरीज वर्क इवन इफ दे कॉन्ट्रोडिक्ट इज अगर ये भी एक बात है क्योंकि जनरल रेलेटिविटी जो आजकल की थ्योरी है फिजिक्स की ठीक है और उसके बाद नई थ्योरी आ गई है क्वांटम मैकेनिक्स <coughs> की ये दोनों आपस में फंडामेंटली एक दूसरे से कॉन्ट्रोडिक्ट करती हैं एक एग्जिस्ट नहीं करती वाइल्ड दूसरी एग्जिस्ट करती है लेकिन सेपरेटली बोथ वर्क बट बट दे बोथ वर्क ठीक है ना और इस वजह से वो एक नया इसका ज़ाविया निकाल रहे हैं जिसे कह रहे हैं क्वांटम ग्रेविटी और इसका एक हल निकालने की कोशिश अच्छा मैं यहाँ पे थोड़ा सा अली भाई को लूँगा ऑन बोर्ड अली भाई मैं यहाँ से ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि ये सारी प्रॉब्लम्स लाजायर आपको भी पता है क्योंकि आपकी ये फील्ड है साइंस की सो so, जब ये साइंटिफिक फैक्ट्स uh, कुरान कुरान मजीद से साबित करना <coughs> की कोशिश की जाती है फॉर एग्ज़ाम्पल या फिर बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्पल्स कोट की जाती हैं तो जो जो लिसनर है फॉर एग्ज़ाम्पल हालांकि वो अपने आप को बहुत साइंस का स्टूडेंट भी कहता है और कई दफ़ा होते भी हैं क्या उनको ये चीज़ें समझ नहीं आती वाई आर दे सो मच मारवल दैन के यानी वर्ड इज़ एक्चुअली अगेन मेरा वही सवाल है कि फिर क्या उनको ये चीज़ें समझ नहीं आ रही कि ये ऐसी चीज़ जिसके अंदर इतनी लिमिटेशन है इट्स एवर चेंजिंग यू कैन नॉट बी सर्टन अबाउट इट सेकेंडली द प्रॉब्लम दैट डाटा बिल्कुल डिफरेंट है फिर कंक्लूजनस डिफरेंट आ रही हैं टू अपोजिंग थीरीज़ हैं वो आपस में कॉन्ट्रडिक्ट कॉन्ट्रोडिक्ट करी हैं मेरा सवाल ये कि फिर मॉडर्न हमारी जो जनरेशन है उसका साइंस पे इतना अतमद क्यों है इज़ इट एन एक्सक्यूज टू रन अवे फ्राम द रिलीजन और इज इट एक्चुअली समथिंग दैट हैज़ मेरा तो मरूबियत है, है। <coughs> जो भी चीज़ वेस्ट की तरफ से आती है उसके बारे में हम जहनी तौर पर वैसे ही मरूब हैं <coughs> तो ये बड़ा कॉमन सा रवैया है हमारे एजुकेटेड क्लास का कि वेस्ट जो मर्जी कहे जो मर्जी बताए उसको क्वेश्चन करना उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है लेकिन जैसे ही कोई रिलीजन की बात हम बताएं कुछ और उसको वो क्रिटिकली भी देखते हैं क्वेश्चन भी करते हैं तो ये एक तो मरबूबीत भी है दूसरा उन्होंने जिस तरह साइंस को प्रेजेंट किया है ना वो बड़ा इम्पैक्ट डालता है हमारे लोगों पर उन्होंने इसी तरह प्रजेंट किया है कि बस यही है।, है दिस इज दल्टीमेट ट्रुथ Hmm. किसी भी कंक्लूजन पे तुमने रीच करना है तो थ्रू hmm. साइंस hmm. आना Otherwise जाहे लो, है अदरवाइज तुम हालांकि वो चाहे या अनपढ़ हो अदरवाइज तुम इलॉजिकल हो या hmm. तुम जो है वो स्टोन एजेस में रह रहे हो हम निकल आए एनलाइटनमेंट की तरफ आ गए hmm. अब हम तुम्हें भी लाना चाहते हैं एनलाइटनमेंट की तरफ थ्रू साइंस hmm. इसलिए ये मरबूबियत भी है प्लस उनका वो नेरेटिव इतना स्ट्रॉन्ग है कि अब हर बंदा जो है वो क्वेश्चन कर ही नहीं सकता साइंस को दूसरा वो हमास वाली बात कि उन्हें पता ही नहीं साइंस है क्या और ये मैं सारी जो हमास की बातें सुन रहा था आई वॉज रियलाइजिंग वाकई देखें ये एक रिस्क भी है कि अगर आप कुरान से कोई ऐसी आयत लाते हैं जिससे आप कहते हैं जी कि ये आयत स्ट्रिंग थ्योरी की तरफ पॉइंट कर रही है या ये आयत फलाना जो साइंस की थ्योरी है उसकी तरफ पॉइंट कर रही है बट अगेन अगर वो थ्योरी चैलेंज हो जाती है अगर वो थ्योरी रिवर्स हो जाती है तो फिर वेयर डज़ यू स्टैंड वेर डू यू स्टैंड कि आपने लोगों को जब बताया था अच्छा आ, अली भाई आपने बड़ी एक जबरदस्त बात की कि, कि वाकई में जिस तरह इसको प्रेजेंट किया गया ना वो एक रिलीजन के तौर पर रिप्रेजेंट ऑफ साइंस है उन्होंने ये काम किया देखिए लोग एक टर्म है जिसे कहते हैं फिलोसोफिकल नेचुरलिज्म और एक है जिसे कहते हैं मेथोडोलॉजिकल नेचुरलिज्म मेथोडोलॉजिकल नेचुरलिज्म ये होती है कि आपको पता है कि आप जो साइंस साइंटिफिक मेथड पे अप्लाई काम कर रहे हैं ना वो लिमिटेड है इस पांच सेंसिस के साथ और इस थ्योरीज के साथ और मुझे इस तरह काम करना है इसका ये मतलब नहीं है कि मतलब मैं इसको अपना दीन बना लूँ। इट्स अ प्रॉब्लम सॉल्विंग हाँ, वो ने, यानी नेचुरल तो सिस्टम्स में रहते हुए मैंने काम करना है एक प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी अगर मैं इसको आसान अल्फाजों में जिस तरह मैं समझूं मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आपका कहने का मतलब यह है कि एज अ मेथड वो इसको यूज करते हैं आहाँ.

क्यामत के साइंस पे क्यामत के जो मैदान हशर का सीन बताया एक बार मैंने कि उसमें सूरज बहुत करीब आया होगा रसुलर रसूल की हदीस है हमारा इसमें ईमान है सूरज करीब आया होगा पसनों में शराबूर होंगे लोग वो सारी सिचुएशन बताई अच्छा वो हिंदू था उसने नीचे कमेंट हम मौकिंग किया उसने कहा जी कि सूरज जब इतना करीब है तो बचेगा कौन तो उसने कहा ये आप लोगों के बिलीव्स हैं अब देखें जब वो इस तरह बुली करते हैं ना तो थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ उस ख़ास तबके की सोच जो इस साइंस को अल्टीमेट ट्रूथ तो नहीं समझ रहा लेकिन जस्ट टू गिव अ शट अप कॉल उन्हें थोड़ा सा रिविज़िट कराने के लिए कि देखो साइंस ये 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 बातें कर रही है और ये 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 थ्योरी पेश कर रही है और ये 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 पॉसिबिलिटीज़ हैं तो तुम जब इन पॉसिबिलिटीज़ को हज़म कर रहे हो और सुन भी रहे हो और चैलेंज नहीं कर रहे हो तो तुम्हें ये चीज़ सुनने में क्या तकलीफ है क्या ये अप्रोच आप समझते हैं कि रिस्की है इज़ इट रिस्की या अच्छा, ये? मैं मैं इस इस सवाल के जवाब में मैं मेरा ख्याल है यहाँ पर रेलिवेंट होगा मैं अहमद भाई को लेकर आऊँ जी board, जरूर कि अहमद भाई यही अप्रोच जो इन्हें अली भाई ने कही इसकी लिमिटेशन क्या है क्योंकि दिस इज़ योर फील्ड फील्ड ऑफ दावा में आपने माशाला किया और दाइज ये काम करते हैं बहुत ज़्यादा इन ऑर्डर टू गिव दम शटअप कॉल्स ये कॉल शटअप कॉल देने के लिए समटाइम्स और भी उनके रीजन होते हैं इंस्पायर करने के लिए ये सारी चीज़ें सो एक्चुअली आपने देखा होगा मेरा पहला तो सवाल ये है कि क्या Uh, ये डज दिस अप्रोच वर्क क्योंकि बहुत से ऐसे लोगों को भी मैं जानता हूँ मैंने कुछ चीज़ें पढ़ी हैं uh, बहुत से लोग जो इसके अप्रोच के ख़िलाफ़ हैं ख़ास तौर पर वो कहते हैं कि इट डज़ नाट एक्चुअली वर्क एक्सेप्शन होंगी लेकिन मैसेज को ये चीज़ें पी यानी लोग वक्ती तौर पे इंस्पायर होते हैं लेकिन अगर आप समझे कि इसकी वजह से कोई बंदा मुसलमान हो स्पेसिफ़िकली इस पॉइंट की वजह से तो दिस वी हैव येट टू सी दी एक्जाम्पल्स फॉर दैट सो मेरा पहला सवाल तो ये कि डज़ दिस अप्रोच वर्क और फॉर एग्जाम्पल अगर ये काम भी करती है तो इसमें एक्चुअली लिमिटेशन आपने क्या फेस की एक्चुअली द फील्ड ऑफ दावा अच्छा जो अली भाई ने शुरू में एक बात शेयर की थी ना डॉक्टर झकिर <coughs> नायक के हवाले से और ख़ास तौर पर यह टू थाउजेंड्स में डॉक्टर झकिर नायक की जो दावत थी बहुत ज़्यादा कामयाब हुई और बहुत ज़्यादा लोग जो हैं इंस्पायर हुए मैं ख़ुद जब छोटा था तो मैं डॉक्टर झकिर नायक की वीडियोस देखा करता था उनका एक बड़ा वो पॉपुलर एक डिबेट भी हुई थी किसी क्रिश्चियन से बाइबल कुरान एंड साइंस विलियम टैंपल वाली वो काफ़ी पॉपुलर हुई थी उससे काफ़ी ज़्यादा लोग जो है ना वो मुतार हुए थे इस्लाम के मैसेज से आई बीइंग फ्रॉम देम मैं भी उस जमाने में डॉक्टर uh, जाकिर नायक से काफ़ी ज़्यादा मुतासर होता इस मैसेज से और इट हेल्प मी इन माई बिलीफ फॉर फॉर अ कंसिडरेबल नंबर ऑफ ईयर्स वो मैं आपको आगे आके बताता हूँ कि मैं मेरे अंदर पर्सनली भी कैसे शिफ्ट आया इधर तो इसका यूटिलिटी तो मैंने अपने ज़िंदगी में भी फेस किया और आप लोगों को भी पता है कि डॉक्टर जाकिर नाइक की जो दावत है वो कितनी ज़्यादा कामयाब हुई है आ, मेरे पास अभी भी लोग आते हैं इंडिया से हमारे साथ बहुत ज़्यादा लोग ऑनलाइन मुसलमान होते हैं और उनमें से काफ़ी ज़्यादा हैं जो आज भी डॉक्टर जाकिर नाइक को अपनी आ, सोर्स ऑफ इंस्परेशन बयान करते हैं कि उनकी वजह से उनकी वीडियोज़ की वजह से मैं इस्लाम की तरफ़ आया हूँ तो उसमें इसमें यूटिलिटी तो है और इसमें कोई शक नहीं है और जो जैसे अली भाई ने भी कहा ना कि लोग, लोगों को जब इस किस्म का रिस्पांस आता है तो वो एक, एक इल्ज़ामी जवाब के लिहाज से जो है ना उनको फिर वो साइंस वाली भी एक वो बात कर देती हैं आई थिंक उसको ठीक है किया जा सकता है लेकिन उससे बेहतर अप्रोच ये होगी कि हम लोग इन मामलों को डीपली समझें और बिल्कुल सही और खरी और एकडेमिकली ऑनेस्ट बात करें ताकि कल हमारी जो बात है उसको दे कान्ट यूज़ इट अगेंस्ट अस आपने पूछा कि देखें अली भाई बहुत ज़्यादा लोग साइंस पढ़ते भी हैं मगर फिर भी उनको इन बातों का पता नहीं होता उसकी वजह यह है कि साइंस में और फ़िलासफ़ी ऑफ साइंस में बड़ा फ़र्क है जो हमारे बच्चे फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ते हैं टेक्स्ट बुक्स पढ़ते हैं वो साइंटिफिक फैक्ट्स एंड साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ज़रूर पढ़ रहे होते हैं लेकिन हाउ साइंस वर्क्स और हाउ दे कम टू दो कंक्लूजन नेसेसरली वो पढ़े नहीं जाते तो वो फिलासफी अलग सब्जेक्ट है वो एक अलग सब्जेक्ट है हाउ साइंस वर्क्स तो अगर जब वो हाउ साइंस वर्क्स भी समझ लेंगे ना फिर वो साइंटिफिक कंक्लूजन्स को भी फिर उसी परस्पेक्टिव से देखेंगे जिस परस्पेक्टिव से साइंटिस्ट जिनको फ़िलासफी ऑफ साइंस का पता होता है वो खुद देखते हैं इस परस्पेक्टिव से देखिए अगर तो आप साइंटिफिक कंक्लूजन्स को बिल्कुल सर्टन मान लेंगे ना फिर साइंस ही खत्म हो जाएगी बिल्कुल फिर साइंस को तो, तो, तो हमें पता लग गया सब कुछ बस अब और कुछ पता करने की जरूरत ही नहीं है साइंस की खूबसूरती ही ये है कि साइंस अपने अपने ही कंक्लूजनस को बार 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 रीविज़ेट। बार 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 रिविजिट चेक करता रहता है कि यार ये हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के मुताबिक भी है अभी भी कि नहीं हमारे पास माइक्रोस्कोप आ गए हैं इतनी ज़्यादा चीज़ें आ गई इससे हमारी ऑब्जर्वेशन का स्कोप बहुत बढ़ गया तो ज़ाहिर है फिर हमारी ऑबज़र्वेशन चेंज होती हैं तो एक तो ये बात होगी दूसरी मैं जो आपके साथ बात शेयर करना चाह रहा था वो ये है कि एक और जो रीज़न जो अली भाई ने भी मेंशन की ना वो ये और मैंने भी ये सुनी हुई थी कि हर दौर का जो है ना एक ना एक आप समझ लें स्पेशलिटी होती है एक एक्सपर्टीज़ होती है और अल्लाह व तआला ऐसा लगता है कि अल्लाह व तआला ने जिस नबी को और जिस पैगम्बर को उस दौर में भेजा है तो उसको उसी किस्म के जो है ना मिरेकल्स दे के भेजा तो ये एक आर्गूमेंट ली जाती है फॉर एग्ज़ाम्पल मूसा आल्लाम के दौर के अंदर जादू और ये जादूगर जो हैं ये लोग एक किस्म के उस माने में आ, वो क्या कहेंगे इन्फ्लुशल थे बहुत ज़्यादा तो अल्लाह तआला ने मूसा अलैहि सलाम को भी उसी नोयीत का जो है ना एक वो मेरे दिया जिससे जादूगरों को भी पता लग गया कि यार ये जो है ना ये जादू वाली जो लिमिटेशन है उससे भी बढ़ के चीज़ है कोई इसी तरह ईसा अलैहि सलाम की मेडिसिन की मिसाल देते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल देते हैं वो पोइट्री और लैंग्वेज की और से कुरान जो है वो उसको ऐसा चैलेंज करता था कि जो सबसे एलोक्वेंट थे उस ज़माने के अंदर वो भी इसको सुन के कह लेते थे कि नहीं यार ये इससे बढ़ के कोई चीज़ है और फिर वो इधर हमारे ज़माने में आ जाते हैं कहते हैं हमारे ज़माने में साइंस है जो सबसे डोमिनेट कर रही है अभी तो क़ुरान जो है उसको इसको भी एड्रेस करने की ज़रूरत है ये एक अच्छा जो है ना नैरेटिव लगता है और मैंने भी जब ये शुरू में सुना था तो मैं इससे हुआ था मुतािर कि हाँ यार ये देखो कुरान जो है वो हर ज़माने के हिसाब से मेरास है जब भी किसी भी ज़माने में कोई चीज़ राइज होगी तो कुरान जो है वो उसको एक मेरेकल के तौर पे पेश करेगी लेकिन जब इंसान ज़्यादा पढ़ता है ज़्यादा सीखता है तो उसकी जो सोच है उसके अंदर एक ज़्यादा डेवलपमेंट आती है इसके अंदर मेरा मुझे लगता है जो एक प्रॉब्लम आएगा ना वो ये आएगा कि आपसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी के सामने ये चीज़ पेश करेंगे तो आपसे आके वापस सवाल पूछेगा अच्छा इससे पहले वाले दौर में साइंस से पहले वाले दौर में वो ये फ़लाँ दौर था इसके अंदर दिखाएं कुरान कैसे मेरेकल है उससे पीछे जाएगा उससे पहले वाला दौर ये दौर था इसमें दिखाएं कुरान कैसे मेरे कल है देन यू हैव टू कवर फोटीन हंड्रेड ईयर्स टू बी कंसिस्टेंट विद योर ये थ्यूरी तो वो आई थिंक प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा तो इसी मिसाल से ना मैं आपको आगे लेके चलता हूँ कि हमारे लिए ये चीज़ें प्रॉब्लमेटिक कैसे हुई जैसे आपने मैंने खुद खुद शुरू में कहा कि जाकिर नायक वाला जो हाफिज हाफिजौल जाकिर नायक को हम पसंद करते हैं और उनका काम बहुत अच्छा है उससे बहुत फ़ायदा हुआ है इस्लाम को लेकिन हमें भी चाहिए कि हम अपने इन कंकलूजन्स को रिविज़िट करें अपनी इन मैथडोलॉजी मैथोडोलॉजीज़ ऑफ दावा को रिविज़िट करें अगर तो हमें लगता है कि यार इसके अंदर कोई ना कोई कमी है तो कमी ऐसे महसूस होती है कि हमने फ़ॉर एक्ज़ाम्पल ख़ुद हमने भी अज्यूम कर लिया वो साइंटिफिक जो एक इन्फ्लुंस था उस ज़माने का हमने भी अज्यूम कर लिया एज दाइज़ कि यार ये जो साइंस ने बात कर दी है ना ये चेंज नहीं होगी hmm. तो इसलिए कुरान में भी जो कुरान में कोई आयत है जो वेगली उस बात से सिमिलर हो सकती है उसको हमने कह दिया कि कुरान भी आया यही बात कर रहा है अब जैसे आप हमने ऑडियंस को समझा भी दिया कि साइंस की बड़ी एक डायनामिक नेचर है और चेंज होती रहती है उससे प्रॉब्लम वाजी है कि फॉर एग्जांपल अगर हम एक साइंटिफिक फैक्ट को या साइंटिफिक थ्योरी को ये कहेंगे कि कुरान की आयत भी इस यही एग्जैक्ट थ्योरी के बारे में बात कर रही है और एग्जैक्ट जो है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है कि ये जो आयत है ये एक्जैक्टली इस थ्योरी के बारे या इस साइंटिफिक फिनमिना के बारे में बात कर रही है प्रॉब्लम ये होगा और हम इसको पॉपुलराइज अगर करते हैं तो प्रॉब्लम ये होगा कि कल वो साइंटिफिक थ्योरी जो है वो मूव ऑन कर जाएगी हमारी ऑब्जर्वेशन ज़्यादा होगी जैसे हमने समझाया वो किसी और कंक्लूजन पे आएगी तो क्या हम कुरान की आयत जिसके बारे में हम कह रहे थे वो इस एग्जैक्ट थ्योरी के बारे में या फैक्ट के बारे में बात कर रहे हैं क्या हम अपनी आयत को भी पे चेंज करेंगे तो ये बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है और फिर हमें हम हर कुरान की आयत जो है वो साइंस के पीछे पीछे ऐस सच लेके जा रहे होंगे कुरान कोर्ट स्ट हमने साइंस को यार्ड स्टिक बना हम साइंस को यार्ड स्टिक बना रहे होंगे कुरान को जज करने के लिए हालांकि साइंस जो है वो खुद इवॉल्व कर रहा है अब हम ये तो नहीं कर सकते ना कि कुरान की आयत की अंडरस्टैंडिंग हर वक्त इवॉल्व कराते जाएँ तो हमें लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे कि भाई आप ये किस किताब में मानते हैं हर हर दस साल बाद आप अपनी जो है बात चेंज कर देते हैं अच्छा यहाँ पे मैं दो मेरे ख्याल है पॉइंट्स हम आपके साथ सप्लीमेंट करूँगा फंडामेंटल जैसे आपने बताया ना कि इस चीज़ का फंडामेंटल प्रॉब्लम ये है कि कुरान मजीद सर्टन ट्रुथ्स के बारे में बात करता है ऐसी चीज़ें जिसके बारे में हमारा ईमान और यकीन ये है कि वो हकीकत है और हकीकत के बारे में एक चीज़ ऑबियसली है कि वो हमेशा सर्टन और वो कॉन्सटेंट होती है हकीकत डज नॉट चेंज तो और हमने इसके बारे में हमारा ईमान साइंस ऑन दी अदर हैंड सर्टनटी के ऊपर बिलीव ही नहीं करता सो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि एक सर्टन ट्रुथ है आप उसकी इंटरप्रिटेशन एक एवर चेंजिंग चीज़ के साथ कर रहे हैं मतलब दिस इज़ फंडामेंटली रॉन्ग वेरी बात एक ये। तो ये प्रॉब्लम जो मैंने आपके आपकी एग्जाम्पल को थोड़ा सा के अंदर पुट करने की कोशिश की दूसरी चीज़ मैं ये समझता हूँ जैसे आपने बात की ना कि इंटरप्रिटेशन के बारे में कि कुरानी मजीद को हमने इंटरप्रेट किया एक मखसूस आयत को कहा कि एक्जैक्टली ए मीनिंग बिल्कुल मैं समझता हूँ कि देखें कुरान मजीद की जो इंटरप्रिटेशन है ये हम मुसलमानों का बिलीफ ये है कि जहाँ अल्लाह ने अल्फाज उतारे वहाँ पर उसके मानी भी उतारे और जहाँ अल्लाह ने अल्फाज की हिफाजत की वहाँ पर उनके मानी की भी हिफाजत की ठीक है तो जिस तरीके से कुरान मजीद का मान अल्फ जो यानी जो अल्फाज हैं वो भी अल्लाह की तरफ़ से हैं इसके मानी वो भी दीन की तरफ से और जिस तरीके से अल्लाह ने कुरान के अल्फाज को महफूज़ किया अल्लाह ने दीन के यानी इस कुरान मजीद की जो इंटरप्रटेशन है और जो मानी है उसको भी महफूज़ किया अब मसला ये है कि जब अल्लाह ताला एक डिवाइन है यानी हम तो ये बिलीव करते हैं ना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी इंटरप्रटेशन की कुरान मजीद की जिसे हम तफसीर बिल तफसीरबिल भी कहते हैं जो जो प्रटरपटेशन जिस तरीके से कुरान प्रिजर्व्ड है इसी तरीके से इंटरपटिशन भी प्रिजर्व्ड है तो एक जिस तरीके से कुरान मजीद के अंदर ये हम कहते हैं कि अहदीस के अंदर हम अपनी तरफ से कोई चीज़ वर्ड्स एंड एड्स नहीं कर सकते क्यों अगर हमने ऐड किया तो वो खल तमत हो जाएगा इंटरप्र यानी वर्ड्स यानी ट्रुथ और फॉल्स मिक्सड हो जाएगा बिल्कुल इसी तरीके से बहुत जरूरी है यह समझना कि इंटरप्रटेशन भी अल्लाह की तरफ से है अगर हमने अपनी तरफ से बगैर दलील के बगैर एविडेंसिस के बगैर जवाब और कवायद की इंटरप्रटेशन शुरू कर दी तो जो असल इंटरप्रटेशन है उसको वो मिक्स होकर वो गुम हो के, के रह जाएगी और यही मसला है आप देखेंगे कि, कि इतने स्कूल ऑफ थाट बने हुए हैं समझ नहीं आता इतनी तफसीरें लिखी जा चुकी हैं कौन सी सही तफसीर है तो अगर हम होने चाहिए कोई तवसीर... ना कोई तो जवाब ये मैं कहता हूँ जनरली अगर हम तफसीर को बिल्कुल ओपन छोड़ दें कि हर बंदा अपनी राय से कोई जैसे मर्जी चाहे

इसी तरह अल्लाह ने कहा वन विल फॉल हाँ। ये भी है आया इसी तरह अल्लाह ने तूरह यासीन में बताया कि सन एक्सटिंग्विश होगा हाँ। और ये अल्लाह ताला की एक वो है जालिका तकदीरुल अजीज़ अजीज अलीम जी अब मॉडर्न साइंस तो कहती है कि सूरज ने एक्सटिंग्विश होना है बिलियन ऑफ नहीं एक्सटिंग इसी तरह सन एंड द मून विल बी जॉइंट टुगेदर इसकी पॉसिबिलिटीज अगर साइंस से निकालना शुरू करें hmm. कि ये बिग क्रंच है या ये क्या है तो वो भी पता नहीं बिलियन ऑफ ईयर्स बाद होनी है hmm. तो इसका तो मतलब फिर वो कोई अंदाजा लगा सकता है कि जी क्या तो फिर बिलियन ऑफ ईयर्स बाद आएगी तो इसका मतलब गलत साइड पर तो चला गया hmm. साइंस hmm. को टूल बना के अल्लाह चाहे तो अल्लाह कल कर दे सन hmm. और मून को ज्वाइन टुगेदर स्टार्स को अल्लाह कल फॉल करा दे तो ये प्रॉब्लमेटिक है बहुत अच्छा इसमें मैं कुछ पॉइंट्स ना शेयर करना चाह रहा था एक तो सबसे ज़रूरी जो है ना बात वो ये है कि देखें हर सब्जेक्ट जो है ना उसकी एक फील्ड होती है उसका एक मदार होता है और उससे बाहर वो ज़्यादा जा, डील नहीं करता फॉर एग्ज़ाम्पल मैथमेटिक्स के अंदर आपको सेंटेंसेस नहीं नज़र आएंगे कोई कम पैराग्राफ्स नहीं नज़र आएंगे इसी तरह फिज़िक्स या बायोलॉजी फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर्स से डील नहीं करती बायोलॉजी के अंदर नंबर्स मैथमेटिकल इक्वेशंस नहीं है साइंस जो है ना वो ऑब्ज़रवेबल यूनिवर्स को डील कर रही है अगर हम क़ुरान के बारे में बात करते हैं तो क़ुरान तो ख़ुद पहले सफ़े के अंदर कहता है तारीफ़ करता है उन लोगों की अल्दीन मीनू नबिल ईब कि वो लोग जो गैब पर ईमान लेके आते हैं ये गैब जो है ये तो है ही साइंस के पैराडाइम से बाहर क्योंकि साइंस में जैसे हमास भाई ने एक्सप्लेन किया कि जो ऑब्ज़रवल है उसी को हम अपना सब्जेक्ट मैटर बनाते हैं तो अल्लाह ताला ने पहले ही हमें पहली किताब के पहले सफ़े पे ही शुरा फातिया के बाद बता दिया कि तुमने गैब में ईमान लेके आना है और यही इम्तिहान है इस दुनिया का तो ये नहीं कहा जा सकता कि गॉड जो है वो साइंटिफिक मेथड के थ्रू प्रूव होगा बड़ा ज़रूरी है ये कहना गॉड कैन नॉट बी प्रूफ बाय द साइंटिफिक मेथड एंजल्स कैन नॉट बी भी बाय द साइंटिफिक मेथड वी बिलीव दैट जन्ना एंड जहन्नम एग्जिस्ट्स टुडे इट कैन नॉट बी प्रूफ बाय द साइंटिफिक मेथड क्यों क्योंकि वो ग़ैब के मामले आते हैं तो जो ग़रीब के अंदर है वो प्रूव नहीं हो सकता साइंटिफिक मेथड के थ्रू अच्छा देखें इसमें ये बात है कि हमारे पास ना इन आप कह लें कि इतने नंबर ऑफ़ फैक्टर्स होते हैं किसी भी फिनमिना के पीछे कोई मिलियंस ऑफ फैक्टर्स होते हैं जो हम मिस कर जाते हैं उनको कैलकुलेट करना ठीक है और ये उसका सबसे बड़ा एक आप कह लें कि लॉस है हमारा कि हम समझते हैं कि हमने सारे फैक्टर्स समझ लिए और इंसान वो समझ ही नहीं सकता वो अहाता ही नहीं कर सकता उन सारे फैक्टर इंसान अभी भी सीख रहा है अभी भी सीख रहा है लेकिन अल्लाह ताला जो है आप कहेंगे जिस इसने इन जिसने इन इस यूनिवर्स को बनाया वो ही सब मोस्ट लॉजिकल रीज़न है कि ये सारे के सारे फैक्टर्स को जानते हैं अच्छा हम सब मैं जो अप्रोच है ना उसको ज़रा और ब्रेक डाउन करना चाह रहा हूँ वो इस तरह के देखें अप्रोच क्या रही है अप्रोच ये रही है कि देखें साइंस एक्स बात कर रही है कुरान भी एक्स की तरफ एलोट कर रहा है देयरफॉर द कुरान इज ट्रू देयरफॉर दिस इज ए कुरानिक मिरेकल और hmm. ये वर्ड जो है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इधर, कुरानिक मिरेकल उन्होंने कुरान की हकानियत जो है उसको प्रूफ कैसे किया थ्रू ए साइंटिफिक फिनोमेना दैट इज सब्जेक्ट टू चेंज उन्होंने साइंटिफिक फिनोमेना को देखा कहा देखो कुरान भी इसी तरफ बात कर रहा है, तो देयरफॉर द कुरान इज ए मिरेकल इस अप्रोच के अंदर ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं ज्यादा बेनिफिट्स का हमने जिक्र कर दिया कि जब हमें नहीं पता था साइंस के बारे में और साइंस कैसे काम करती है तो हमने भी शायद सोचा कि यार वाकई में कोई मेरे कल है ये लेकिन हमें विद टाइम पता लगा है कि यार इधर प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम समराइज़ अगर हम किए जाएँ तो दो मसले हैं एक के साइंस सब्जेक्ट टू चेंज है और कुरान की आयत जो है ना वो हतमी है अपने अपने उसके अपनी नेचर के लिहाज से लेकिन मैं तो ना कुछ एग्ज़ाम्पल्स शेयर करना चाहता हूँ जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलराइज हुई हैं हमारे ज़माने में एक मिसाल के तौर पर आयरन वाली एक एग्ज़ाम्पल है सूर्य हदीद के अंदर वह अनजल नल हदीद फ़ही شديد शदीद आता है ना तो उसमें मिसाल के तौर पर कहा गया कि ये क़ुरान की जो आयत है ना ये मेरेकल इसलिए है क्योंकि हमें आज आज साइंस बताती है कि आयरन जो एग्ज़िस्ट करता है आयन और जो है अर्थ क्रस्ट के अंदर वो नेचुरली अर्थ के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता ये बाहर से मीठी और आके लगा तो ये इस तरह अर्थ के कोर के अंदर आया है और अल्लाह ताला भी कहता है कि हमने नाजिल किया इसको उतारा तो जी ये साइंटिफिक मेरेकल बन गया अब देखिए इधर एजम्पन्स हैं एजम्पन्स ये हैं पहली अजम्पशन ये है कि जो साइंस वो बात कर रहा है ना कि मीटियोर आया था वो हतमी है ये एक अजम्पशन है दूसरी अजम्पशन यहाँ पर यह है कि आयत भी जो है ना वो उसी हदीद की बात कर रही है दूसरी अजम्पशन और तीसरी अजम्पशन जो है ना वो ये है इसको मेरेकल बनाने के लिए कि आप सल्लाम से पहले इसको किसी को किसी को इस चीज़ का पता ही नहीं था hmm. ये तीन बड़ी बड़ी एजम्पन्स हैं hmm. और हमें पता होना चाहिए कि ये अजम्पन्स जो हैं ये अजम्पन्स ही हैं फैक्ट्स नहीं हैं देखें पहले तो हिस्टोरिकली भी हमें अब पता लग गया है कि एंशंट ग्रीक्स जो हैं वो भी आयन के बारे में यही बात करते थे सेंट फ्रॉम हेवन के बारे में बात करते थे आज हमें वो राइटिंग भी मिल जाती हैं गालिबन मेरा ख्याल सुमेरियन टेक्स्ट है वो भी इसकी तरफ लूट करता है इसके बाद आप एक और मिसाल ले, ले लें जो बहुत पॉपुलराइज हुई कि चांद की जो लाइट है वो रिफ़्लेक्टेड लाइट है उसकी अपनी नहीं है और कुरान ने जिस तरह वो अल्फाज को यूज़ किया तो उससे भी हमें पता लगता है ये हम यहाँ पे करके आ रहे हैं कि कुरान अगर लूट कर रहा होता है किसी चीज़ की तरफ कुरान ने उसको एक जो है न बहुत हतमी तौर पर बयान नहीं किया हम उसको हतमी कर देते हैं और उसको साइंस के उस फनोमना से जोड़ लेते हैं जिसको हम जिन में समझ लेते हैं कि वो भी हतमी है और फिर उसको एक मेरेकल बना देते हैं और ये भी अज्यूम कर देंगे कि पीछे किसी को पता नहीं था और ये मून वाली बात भी जो है ये, ये भी पहले पता ये थी इसी तरह तो वल जीबाल अवताजा के बारे में कहते हैं अल्लाह ताला ने कहा कि जैसे अवताद जैसे ज़मीन में आपने मेख गाड़ी भी होती है जैसे वैसे पहाड़ जो है वो गाड़े हुए हैं अल्लाह ताला ने ज़मीन के अंदर इससे पता लगता जी हमें आज आइसोस्टेसी के थ्रू पता लगता है कि माउंटेंस हैव रूट्स देखो कुरान ने पहले ही कहा था किसी को पता नहीं था मेरेकल कुरान साबित कुरान सच्चा और हमें आज पता लगता है कि पहले भी ऐसी राइटिंग्स मिलती हैं हमें जिसमें माउंटेंस की रूट्स के बारे में बात की है तो जैसे जैसे हमने सीखना शुरू किया मैं अपनी जर्नी के बारे में बताता हूँ जैसे जैसे मैंने नॉन मुस्लिम से और एथियस से डिबेट करना शुरू की डिस्कशन शुरू की वो जब मेरे पास ये बातें लेके आए तो मेरे फिर बिली चैलेंज हुए और इसमें ना ये इस मेथोडोलॉजी में ये प्रॉब्लम है ये और ये ड्रॉबैक है यानी कंक्लूजन ये है आपकी ये जो सारी बातें मैं इसको ज़रा अगर आसान अल्फाज में समराइज़ करूँ तो वो ये है कि जब हम ये अप्रोच यूज़ करते हैं कि कुरान मजीद ने एक चीज़ बयान की है और हमने ये सबसे बड़ी एजम्शन लगा ली कि किन मजीद क्योंकि ये मेरे कल तभी बनता है कुरान के हवाले से जब हम ये एज़्यूम करें कुरान सबसे पहले है जिसने ये बयान किया और इससे पहले किसी ने नहीं बयान किया तो ये अजमशन यानी ये बहुत बड़ी एजमशन है क्योंकि बहुत सी चीज़ें आपको मिल जाएंगी दूसरे टेक्स पे भी मिल जाएंगी रिलीजनस में भी मिल जाएंगी उससे पहले आपको स्टडीज भी मिल जाएगी ना भी मिले आपको बाइबल में मिल जाएंगी तो रात में मिल जाएंगी वो भी तो मुनजल बिन अल्लाह हमारा तो ईमान है ना उस पर उसमें कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी तो फिर क्या मतलब है कि फिर कुरने मजीद की इसमें स्पेशलिटी क्या है जिसको आप प्रूव करने के लिए लगे मैं जी दूसरी एक और जो लास्ट में बात करना चाहूंगा वो ये है कि कुरान जब भी बात करता है ना तो साइंटिफिक टर्म्स से बात नहीं करता ठीक है कुरान जो है वो अपने लिसनर से अव्वल मुखातिब जो है कुरान का वो कुरैश के मकनस हैं कुरैश के और बेसिकली सेवन सेंचुरी अरेबिया सेंचुरी अरेबिया और देखिए हम, हम भी जब आपस में बात करते हैं ना हम एबसोलूट साइंटिफिक एक्यूरेट टर्म्स में बात नहीं करते नहीं। कोई भी नहीं करता ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे ना अल्लाह ताला ने कुरान में इस तरह किया मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जी के द सनराइज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट या हम कहते हैं जी सनसेट का क्या टाइम है हम आम अपने वेनेकुलर में हम इसको यूज करते हैं सनसेट हालांकि साइंटिफिकली एक्यूरेट इनएक्यूरेट टर्म है सन तो कभी सेट ही नहीं करता सन तो कभी राइज ही नहीं करता नहीं। तो कुरान भी जब बात करता है तो वह लैंग्वेज वो वाली यूज करता है जो आम इंसान यूज करते हैं और उस लैंग्वेज से अल्लाह तला इंसानों को मुखातब है समझाने के लिए अगर हम ये कहना शुरू कर दें कि जी कुरान जो है वो साइंटिफिकली बिल्कुल एक्यूरेट है तो फिर हमें यहाँ पे प्रॉब्लम होगा क्योंकि यहाँ कर रहे हैं कि कुरान फिर साइंटिफिक लैंग्वेज यूज़ कर रहा है। हाँ फिर हम ये कर रहे हैं कि कुरान जो है वो साइंटिफिक लैंग्वेज यूज़ कर रहा है हालांकि ना हम साइंटिफिक लैंग्वेज यूज़ करते हैं ना कुरान करता कर रहा है

आपको शायद बेवकूफ नहीं। समझे नहीं। नहीं। तो इसमें फिर सवाल ये उठता है, जैसी बाइबल है। नहीं। 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 लेकिन ये भी ऐसी बात भी नहीं है क्योंकि कुरान जो है ना वो कभी जब भी नेचुरल फिनोमेना के बारे में फॉर एग्जांपल अल्लाह ताला बात करते हैं ना कुरान की खूबसूरती ये है कि कुरान कभी नेचुरल फिनोमेना को कॉन्ट्रोडिक करता ही नहीं है ऐसी है जैसे अल्लाह सुफाना तौ को पहले ही पता था कि इंसान जो है ना ये ये कंकलूजन ड्रा करेंगे तो मैं अपनी लगत के लिहाज से जो है ना इन चीज़ों का जो है ना अहतमाम करूँ यानी अगर आप देखेंगे बाइबल के बारे में बाइबल बहुत नेचुरल फिनना के बारे में जब बाइबल बात करती है तो बड़ी स्पेसिफिक टर्म से बात करती है जो आज आप कह सकते हो प्रूव रॉन्ग हो चुके हैं दुनिया की एक एज उन्होंने फॉर एग्जांपल डिटरमिन करके लिख दी कि इतनी पुरानी है हमारी तो दुनिया हाँ गालिबा और इस तरह की और बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना बाइबल ने यूज़ की और भी एंशेंट टेक्स्ट जो हैं वो जब भी नेचुरल फनोमिना के बारे में बात करते हैं वो ऐसी स्पेसिफिक टर्म से बात करते हैं कि आज हमें पता लग गया कि वो गलत है अल्लाह ने और कुरान की खूबसूरती ये है कि कुरान जब भी नेचुरल फनामिना के बारे में बात करता है

एक तो नंबर वन ये अल्लाह ताला हमें ये आयत जो है ना अल्लाह ताला ने इसीलिए ये बयान की है नेचुरल फ़निना को इसीलिए बयान किया है सबसे पहले सेवन सेंचुरी अरब को और फिर हमें भी चौदह सात साल के लिए सब के लोगों के लिए ये, ये आयात हैं और उनके अंदर जो है ना आप समझ लें थ्री मेन पर्पज़ेज़ हैं जो हमारे ओलमा भी जिनको बयान करते हैं जैसे मिसाल के तौर पर सूरतलब में अल्लाह तब कहते हैं अलम नज अल अरदमिहादा वल जीबाला उतादा व खलकनाकुम अजवाजा ख़ल कनाकम अजवा जाम का नेचुरल फिनोमेना बयान कर रहे हैं लेकिन इसमें जो रीज़न है अल्लाह ताला ये बयान क्यों कर रहे हैं एक तो अपनी वाहदानियत तोहेद का बयान है इसके अंदर दूसरा अल्लाह ताला की कुदरत का भी नहीं बया है मुराद है कि अल्लाह के अलावा ये कोई नहीं हाँ मैं अभी इसको एक्सप्लन करता हूँ कि तोहद का वनस का है इसमें बयान इसमें अल्लाह ताली की कुदरत का बयान है और फिर आपके और मेरे ऊपर जो अल्लाह तनामत और फेवर्स और ब्लेसिंग्स हैं इन तीनों का इनमें ना बयान है मिसाल के तौर पर अल्लाह तला कहते हैं हमने ज़मीन को बिछाना नहीं बनाया तुम्हारे लिए तो यार अल्लाह के अलावा कोई इस ज़मीन को ऐसा बना सकता है हम भी हमारा भी एक बिछौना होता है और एक अल्लाह ताला ने बिछौना बनाया अल्लाह ताला ने कहा है हम हमने तुम्हारे लिए पहाड़ों को नहीं गाड़ा ज़मीन के अंदर हम भी मेखें गाड़ते हैं लेकिन अल्लाह ताला ने जिस तरह अल्लाह ताला, ताला ने पहाड़ों को गाड़ा हुआ कोई कर सकता है तो अल्लाह ताला की वाहदानियत सिर्फ अल्लाह ही ये काम कर सकता है और दूसरा कि अल्लाह ताला की कुदरत एबिलिटी पावर सिर्फ अल्लाह ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता और तीसरी चीज़ ये हमारे लिए किया अल्लाह ताला ने हमारे लिए ये आसमान का जो रात और दिन का हेर है रात को हमारे आराम के लिए बनाया दिन को हमारे काम करने के लिए तो इसमें अल्लाह ताला के फेवर्स तो इन आयत को जब इंसान सुनता है तो उससे अल्लाह ताला का का जो ग्रेटिट्यूड है और जो अ इंस्पायर होना चाहिए मैं अल्लाह ताला से किया और अल्लाह सुबाना तआला कितनी कोई बड़ी चीज़ है अल्लाह सुबाना तआला कितना अजीम है कि अल्लाह ताला, ताला ने हमारे लिए ये काम किया तो, तो इसका मेन पर्पस भाई शायद भाई ये अप्रोच यूज करे टू दैट ऑफ अल्लाह तआला इन पीपल्स हार्ट्स इसमें भी प्रॉब्लमेटिक है अगर तो वो साइंस को बयान करे ना एग्जाम्पल एक प्रोफेसर है फिजिक्स का और वो कहता है यार कि हम जो है ना समझते थे कि हमें दुनिया का सब कुछ पता लग गया लेकिन अब हमने ग्रेविटेशनल लेंसिंग के थ्रू एक फिनमोना ऑब्जर्व किया hmm. है जिसे हमने टर्म किया डा, डार्क मैटर और हमें पता ही नहीं है ये क्या है और 95% ऑफ मैटर जो है वो डार्क मैटर है यूनिवर्स hmm. hmm. के अंदर तो वो ये चीज बयान कर सकता है और उसको अल्लाह अल्लाह के साथ जोड़े

और जिससे देख के बच्चों का भी ईमान जो है ना वो बहुत बढ़ता है और मेरा भी बढ़ता है।, है और मैं उन्हें जब बताता हूँ बच्चे खुद जो है वो बहुत और इंस्पायर होते हैं कि अल्लाह ताला ने कितना जबरदस्त मेकेजम बनाया है इंसान का नेचर का और ये चीजें और ये और हमेशा से मेरे ख्याल से जब भी हम बचपन से आए ये हमारे लिए ईमान अफरोज चीजें रहें ये एंथनी फ्लू वाला मैंने एक शो भी किया था वो भी अल्लाह ताला की तरफ जो है ये फिनोमेना को ऑब्जर्व करके ही आया डी एन ए को ऑब्जर्व करके आया उसने डी एन ए को देखा उसने कहा यार ये तो कोई चांस, exactly. वाली चांस वाली बात ही नहीं बनेगा कि चांस वाली बात इतना इनक्रेडिबल और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हाँ, और इतना हुँ. पुराना तो साइंस को अप्रिशिएट करके अल्लाह ताला को अप्रिशिएट किया जा सकता है ईमान में जो है ना एक कवत भी लाई जा सकती है लेकिन कुरान की आयात को जो है ना उसके साथ थोड़ा मोहता असल में हमारा मसला भी यही है कि जो तो मेन प्रॉब्लम आमतौर पर लोग कहते हैं जैसे अली भाई आप भी कहते होते हैं कि मतलब नॉर्मल हमारी यूथ है उनका ये सवाल है कि रिलीजियस लोगों को साइंस से क्या चेड़ है बिल्कुल तो मेरा ख्याल है उसका जवाब इसमें बड़ा जबरदस्त और क्लियर मौजूद है कि साइंस से किसी को चेड़ नहीं है मसला सिर्फ तब होता है जब आप उन चीज़ों को कुरान से प्रूव करने की तल्लु करते, है, करते हैं या फिर आप बंदा अगर लाभ के अंदर बैठ फंडामेंटली डिफरेंट फील्ड को दूसरी के अंदर घुसा रहे हैं जी जी और जी जैसे है आपने भी शुरू में बात की थी ना कि ना फिर यहाँ के रहते हैं, ना ना हैं। दीनी लोग क्या बातें हैं और फिर दीनी लोग की कुरान के अंदर भी जब साइंस घुसाई जा रही होती है वो भी परेशान हो जाते हैं क्या बंदा थ्योरिया पेश कर अच्छा भाई यहाँ पे जैसे मैंने पहले बताया ना कि एक तो हमारा ये है कि कुरान uh, मजीद जो है उसको जब हम इंटरप्रेट uh, करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरीके से तो आई थिंक द बिगेस्ट प्रॉब्लम जो हमने आइडेंटिफाई की इस पूरी प्रोसेस uh, के अंदर वो यही है कि किराने uh, मजीद को यानी इस अप्रोच में सबसे बड़ा मसला एक तो ये है कि ऑबियसली एक एवर चेंजिंग कॉन्सेप्ट है जिसको आप कर रहे हैं और उसका नेचुरल नतीजा ये निकलता है कि आपने कुरान मजीद को जज बनाने के बजाय ट्रुथ के लिए आपने बेसिकली साइंस को बना दिया ऑल दो आपकी इंटेंशन वो नहीं है सही, आपने सही। वक्ती तौर पे किया लेकिन अल्टीमेटली उस अप्रोच का आउटकम ये निकल रहा है द बिगेस्ट प्रॉब्लम और दूसरी बात ये भी है कि हम बाजुकात जैसे इन्होंने एक और बात की कि हम बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करके तकल्लुफ़ करके उसको मेरे कॉल मेरेकल का एक जिसे कहते हैं ना लिबादा ओढ़ने की कोशिश करते हैं हालाँकि मजीद इस एतबार से कुरान मजीद ये वन एस्पेक्ट हो सकता है मैं ये भी नहीं कहता कि हम बिल्कुल डिनॉय करें कुरान मजीद इस एस्पेक्ट से मेरिकल नहीं है नहीं हो सकता डेफिनेटली होगा लेकिन कुरान मजीद नंबर ऑफ एस्पेक्ट से मेरेकल है और ख़ास तौर पर कुरान मजीद की जो कोहरेंस है जो कुरान मजीद की लघवी एजाज़ है और ये बेसिकली असल मेरेकल तो कुरान का ही है फिर उसके बाद तारीखी मेरे कल है इसी तरीके से कुरान मजीद का जो नफसियात के हवाले से जो मेरेकल है मतलब मेरेकल्स तो फिर बहुत से बन सकते हैं मगर भाई दूसरा सबसे खास बात यह कि कुरान आज तक किसी नेचुरल फिनमिना को वो करता ही नहीं है उसके खिलाफ जाता ही नहीं है आप देख लें जितनी भी साइंटिस्ट की साइंस की टेक्स्ट बुक्स निकलती हैं अली भाई आप कितने साल से पढ़ा रहे हैं माशा फिज सात आठ सात आठ साल से जितना हाँ टाइम में आप पढ़ा रहे हैं अगली नई आ गई होंगी टेक्स्ट बुक्स की तो ये किताब ऐसी है जो नेचुरल फोनोमा के बारे में बात भी करती है लेकिन इतने मोहतात होकर बात करती है कि 1400 साल में इसने कोई नेचुरल वाली बात को गे 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 गँगी। गँगी। बात को नहीं नहीं किया ये कोई कम छोटी है बहुत बड़ा में इजाज़ है अच्छा इसमें ना जैसे आपके अहमद भाई आपने शुरू में बात की थी ना मेरा ख्याल है यहाँ पे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन करते हैं ना तो साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन किस चीज की करते हैं पहले जरा इसको भी देख लें साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन अगर फॉर एग्जांपल हम मेरेकल को करते हैं तो इस बारे में तो हमारी शरीयत इजाजत नहीं देती उसकी बहुत बड़ी वजह कि साइंटिफिक जिस चीज़ को मेरिकल यानी मुआजा कहा जाता है या आयत कहा जाता है उसकी अगर हम इंटरप्रिटेशन करें तो उसके नहीं कमाल क्या इसमें कोई खास बात नहीं अल्लाह की इसमें जो अल्लाह तक है अपनी पावर वो तो क्या नेचुरल फिनमिना ही ऐसी मिसाल के तौर पर जैसे आमतौर की मिसाल दी जाती है कहते हैं कि जब तक अगर फॉर एग्जाम्पल असाबुल फील के अंदर अगर वो वो जो आपकी जो यानी एक्सेलरेट कर रही थी वो जो ऊपर से इन्होंने ऊपर से फेंकी वो जो छोटे छोटे पेबल्स थे फॉर एग्जाम्पल अबाबील ने फेंकी

कि देखें अगर हम बात करते हैं ना गैब की बात के गैब की इंटरप्रिटेशन तो गैब की इंटरप्रिटेशन में हम सवाल करते हैं कि गैब से इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है कि मतलब साइंस किस तरीके से कर रही है क्योंकि गैब के कुछ एस्पेक्ट्स हैं कुछ ऐसे गैब के मामला हैं जिनका ताल्लुक ऑब्वियसली जो रेलेटिव है गैब का एक एस्पेक्ट रिलेटिव है इसमें कोई इख्ताफ नहीं है मिसाल के तौर पर जो पीपल ऑफ द पास्ट है या फिर फ्यूचर की जो प्रोडिक्शन है अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया नेचुरल फिनोमेना के बारे में बताया कि एक वक्त आएगा कि जिस तरीके से ये इस तरह के जो आम बद्दू जो हैं फॉर एग्जाम्पल बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाएंगे अब इसमें कोई अन कोई ये लॉज ऑफ साइंस के खिलाफ नहीं है बट ये गैब की बात है उस जमाने में गैब था उस, उस जमाने उस... में गैब है यानी गैबेंट विद टाइम जो है वो जाहिर हो वो चेंज हो गया तो इस चीज़ को इस तरह की चीज़ें बयान करने में भी, भी कोई मसला नहीं मसला तब आता है जब आप कोई एक ऐसी गैप की मामला बताएं जिसकी जो जो हो और वो आपने खुद बता दी मेरा सवाल आपसे आप इस पर लेबोरेट भी करें कि अवामुलना से पूछते हैं कि मिसाल के तौर पर उस दौर में ना ब्लैक होल्स का ना रिलेटिविटी का ना क्वान्टम का तो वक्त के साथ साथ ये चीज़ें आगे आ तो क्या स्कॉलरली बॉडी बिल्कुल भी इजाजत नहीं देती है कि आप कुरान की किसी आया को खोलें उस पर गौर करें और मे भी एक मॉडर्न तफसीर उसाया की लेकर इसकी कोई इजाजत नहीं है जैसे हमने पहले बात की कि हम ये नहीं कहते कि देखिए मेरी इसमें ना अली भाई सबसे बड़ा मसला जैसे मैंने कहा ना कि एक एक्टिव पोजिशन लेने में हमें मसला है देखिए हमने जैसे बात बात, बात जब हम कहते हैं ना कि ये बात. मेरी पोजीशन है कि ये है ऐसा ही है एक होता है हम कहते हैं कुरान इसके मुखालिफ देखें एक चीज़ मैं कहता हूँ कि कुरान मजीद ब्लैक होल्स की मुखालफत नहीं करता और एक है हम कहते हैं कुरान मजीद ब्लैक होल को प्रूव करता है इसमें ज़मीन आसमान का, का फर्क है, है।, है तो मेरा ख्याल है कि हमारा ईमान जो है हम तो हमारा तो ये कि जब तक कुरान और हदीस से कोई चीज प्रूव ना हो जाए या कोई चीज इतनी साबित ना हो जाए कि जिस तरीके से फॉर लेट्स अज्यूम ऑर्बिट्री मोशन है आपका जो है ना अर्थ का वैसे तो कुछ लोग तो इसको भी खिलाफ इसके खिलाफ भी बोल रहे हैं ऑर्बिट्री मोशन जितना मतलब आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एक चीज़ मूव हो रही है तो ऑब्वियसली आप कह सकते हैं हाँ यार इसको बयान करने में कोई मसला नहीं है लेकिन मैं कहने का मतलब है कुछ चीज़ ऐसी है जिसके यस वाली अजम्पशंस की बुनियाद पर है तो वहां पे हम ये कहते हैं कि आप सेफ साइड पे रहें और आप ये कहें कि आप अपनी पोजीशन ना उस पर रखें बल्कि आप कहें कि कुरान इसकी मुखालफत नहीं करता लेकिन आप साइंस की लेकिन यहाँ पर यह कतन मतलब नहीं है कि आप उसको साइंटिफिक दुनिया के अंदर उसको वेटेज ना दें बिल्कुल एज अ साइंटिस्ट आप उसको वेटेज भी दे सकते हैं आप उसके हक में दलाइल भी दे सकते हैं आप उसकी बेसिस पे

एक्जेक्टली exactly. तो बयान किया कि आप बयान कर सकते हैं लेकिन ने उसकी कुछ कंडीशन भी आप बयान की और कंडीशन क्यों बयान की वो इसलिए बयान की जैसे मैंने पहले कहा कि कुरने मजीद की इंटरप्रिटेशन जो है ना वो कुरानी मजीद वो अल्लाह की मुराद है जैसे कि इमाम मसरूफ का बड़ा मशहूर कॉल है कि जब आप कुरानी मजीद की तफसीर बयान करते हैं तो बहुत केयरफुल रहा करें क्योंकि आप अल्लाह की मुराद बयान करें आप इन अदर वर्ड्स ये कह रहे हैं अल्लाह ये आयत से ये कहना चाह रहा है

अल्लाह की तरफ से महफूज है उसको प्रिजर्व करने के लिए कुछ चेक्स लगाए हैं और उस चेक्स को मैं मेरे ख्याल है वन टू थ्री करके बयान कर देता हूँ जी जी आपको कोई एक को? एक मेरा भी आपने सवाल पूछा था ना कि जब लोगों को पता है साइंस इतनी वाज तौर पर अपने आप को बयान करती है कि उसकी ये लिमिटेशन हैं साइंटिफिक कम्यूनिटी भी उनको मानती है फिर लोगों का ये क्यों एटीट्यूड है इसी तरह मेरा एक सवाल है कि जब ये आपने इतनी ज़बरदस्त बातें और हम सबको ये बातें वाजें हैं कि यार साइंस के ख़िलाफ़ नहीं है रिलीजन बिल्कुल ना ही हम लोग साइंस के खिलाफ कोई शो कर रहे हैं हम एक्सेप्ट करते हैं उसे ये जी वो जी और ये 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 केयर है इस फिर जो है क्यों ये सख्ती ज़रा नज़र आती है आ, मतलब थोड़ी सी मेरी शिकायत है कि हम मिसाल के तौर पे एक बात करें और साथ ये कह दें कि यार ये तफसीर नहीं है ना ही ये कोई हतमी बात है ये मैं सिर्फ एक इंफॉमेशन शेयर कर रहा हूँ इस पर आप मजीद रिसर्च कर सकते हैं जस्ट टू यू नो क्रिएट एन इंटरेस्ट ऑफ पीपल तो ये भी जब बात कर की जाती है तो फ़ौर नतीजा ये निकलता है मज़हबी तबके की तरफ से कि ये उसी साइड पे ले जा रहे हैं लोगों को गुमराही की साइड पर इसकी क्या वजह अच्छा मैं इसमें अहमद भाई आपसे भी चाहूँगा और भाई आप भी चाहूँगा कि एक एक रीज़न आपके ख्याल में जो क्यों मज़हबी तबका इसके खिलाफ मेरे नज़दीक ना अली भाई वैसे इसकी रीज़न के लमा की वो ये है कि टू तो बी ऑनस्ट विद यू जैसे हमने पहले बताए कि इस अप्रोचेज़ की जो प्रॉब्लम्स बाद में फ़ेस की ना हमने तो उलमा फिर इस बारे में बहुत मोहतात हो गए अच्छा ये ज्यादा मोहतात हाँ, होने की वजह हां पर मोहतात हो गए और, और खास तौर पे उलेमा ने एक चेक ये लगाया जैसे मैंने बताया मैं आपको कुछ चेक्स अभी जिक्र करना चाहूँगा कि ये काम अगर कोई करना भी चाहता है अपनी राय से क्योंकि साइंटिफिक अगर कोई इंटरप्रिटेशन करना चाह रहा है कुरान की कोई एक तफसीर भी राय के अंडर आती है किस्म की तो अगर वो कर भी रहा है तो वो फिर कोई ऐसा बंदा करे जो मुफसर हो यानी जिसके पास वो कैलेबर हो वो क्वालिफाइड आदमी हो okay. उसको पता हो कि तफसीर तफसीर किसे कहते हैं और उसके पास वो जो तफसीर करने के लिए जो नेसेसरी साइंसेस हैं उनका so. इल्म होना चाहिए हुआ ये था आप खुद देखें कि मेजॉरिटी ये बुक्स लिखने वाले कौन हैं मुफसन hmm. में आपको शायद ही कोई मिले

तो वो जब गलती ये गलती ये इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स आई इसमें फॉर एग्जांपल तो लोगों ने फिर ने चेक्स लगाए तो ये नेगेटिव एक इसमें हसास हो गए कि देखें ना तो कोई आलिम कर रहा है या तो अब मसला ये कि को उसके लिए साइंस पढ़नी पड़ती है ना अब कौन आलिम टाइम निकाले साइंस पढ़ने के लिए अगर तो हम तो इजाजत नहीं देते कि हम तो जिस तरीके से साइंसदान को नहीं इजाजत देते वो कुरानी मजीद की तफसीर करें इसी तरीके से हम किसी मुफसर को इजाजत नहीं देते कि वो साइंस के बारे में कोई बात करें देखें वो इक्वल है जो आपकी फील्ड है उसमें रहे अब कोई ऐसा बंदा प्रोडिजीव कोई बने जो साइंस का भी माहिर हो होने मजीद का भी माहिर हो वो करे तो समझ आती है मसला ये होता है ऐसे लोगों ने ये किताबें लिखी जो ना साइंस ना, ना साइंटिस्ट थे ना जिनको साइंस का पता था कोई अदीब था कोई इंग्लिश की उसको आती थी उसने लिख दी उसका वैसे इंटरेस्ट था या फिर कोई बंदा फॉर एग्जांपल ना मुफसर था तो उसने ये किया तो उससे नुकसान हुआ तो तोंस मेरा ख्याल है मेरे नजदीक तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ऊलमा ने इस पर कर्टेल किया और अगेन एक्स्ट्रीमिज़म हर जगह होता है मैं ये नहीं कहता कि इसमें ामा ने बिल्कुल सही किया कुछ लोगों ने इसको बहुत ज्यादा एक्सट्रीम एक्सट्रीम की तरफ भी गए और कहा कि ये एक अंदाज ही गलत है मैं समझता हूँ उसके भी खिलाफ हूँ मुहकीकिन की राय तो ये है कि किया जा सकता है कुछ चेक्स हैं तो मैं चाहता हूँ कि कि दे आप देखिए ना अवामन्नास में जो लोग फेमस हैं जी जी। आप पढ़े लिखे लोगों जी जी, से पूछ ले कि आप किनको सुनते हैं तो आपको गिने चुने नाम नजर आएंगे जाकिर जी, जी। डॉक्टर इसरार अहमद मैडम फरहत हाशमी आपको वो नाम मा के नाम नहीं नज़र आएंगे ये एक वैक्यूम है जिसको मैं चाहता हूँ कि हमारा मजहबी का इस तरफ बिल्कुल हो होना चाहिए मैं समझता हूँ कि इस पे पर काम करना चाहिए बिल्कुल जी अहमद भाई आप इस पे क्या जी क्या आ, मैं आपकी बात से एग्री करूँगा कि एक तो एहतियात जो है ना ख़ास तौर पर कुरान के मामले में वो बड़ी ज़रूरी है और मैं तो पर्सनली ख़ुद भी बिलीव करता हूँ कि ये दो फील्ड जो हैं ना कुरान की और साइंस की ये बहुत अलग अलग फील्ड्स हैं जैसे हम ने बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया साइंस का एक पूरा मेथड है कि जब वो कोई बात करता है तो एक मेथड method, मेथोडोलॉजी के थ्रू गुजार के उसको वो बात करता है कुरान इस तरह नहीं करता कुरान साइंटिफिक मेथड का पाबंद नहीं है ना ही फॉलो करता है इसका ये मतलब भी नहीं है कि साइंस जो है साइंटिफिक मेथड के साथ जो हमें कंक्लूजन मिलते हैं उसको कॉन्ट्रडिक्ट करता है लेकिन कुरान एज अ मेथड उसको यूज़ नहीं करता और मेर, मेर, मेरा 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 ख़्याल है कि अच्छा है वो कि इन दोनों को हमें अलग ही रखना चाहिए हमारे अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये अप्रीशिएशन दिलानी चाहिए कि यार ये एक अदर अलग फील्ड है जिसके बारे में बात करी और दूसरी जिस फील्ड है वो अलग है दूसरा मुझे ये, ये डॉक्टर जाकिर नायक का ना आई थिंक आई एम नॉट हंड्रेड परसेंट श्योर कि उन्होंने भी अपने इस अप्रोच को रिवाइज कर लिया है डॉक्टर जाकिर नायक अब वो वाली ये वाली अप्रोच नहीं यूज़ करते मुझे याद है कि बल्कि मुझे पता लगा था कि जो हमारे एक भाई हैं हमजा जोर्सिस जो जिन्होंने इस बात को काफ़ी ज़्यादा पॉपुलराइज़ किया उन्होंने जब ये बात करना शुरू की तो उन्होंने बाकायदा डॉक्टर जाकिर नायक को लेटर भी लिखा उनका डॉक्टर जाकिर नायक के साथ कॉरस्पॉन्डेंस भी हुई है अब मुझे एक्जैक्टली पता नहीं है कि उसका फिर कंक्लूजन क्या निकला कब हमें कभी चाहिए कि कभी हम पूछ भी लें उनसे कि डॉक्टर जाकिर नायक का क्या रिस्पॉन्स था इस मामले में तो आई थिंक हम देखेंगे कि अब वो चेंज हो गया वो वाला ज़माना अब आप ख़ुद देखेंगे कि अब उस तरह इतना पॉपुलर नहीं है वो हम में, अच्छा में क्या रीजन समझते हैं हाँ, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ देखें आ, इस्लाम जो है ना हर चीज़ के बारे में ना कोई ना कोई, कोई रूलिंग देगा आ वो मुबा होगी हराम होगी या हलाल होगी ठीक है जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है ना तो ये इशू इलमा के आगे समटाइम्स समएटली आगे आ जाता हूँ चाहे क्रिप्टो करेंसी हो चाहे माइक हो ठीक है चाहे स्पीकर हो या फिर ये कोरोना वायरस फॉर एग्ज़ाम्पल वैक्सीन हो अब यहाँ पर जब देखें जब रिलीजियस वर्डिक की बात आती है ना तो नेसेसरीली नेसेसरेली को बहुत ज़्यादा मोहतात होना पड़ेगा क्योंकि उनके जो अल्फाज हैं ना दे विल बी टेकन एस रिलीजियस वर्डिक एंड नॉट जस्ट ए प्रैक्टिकल थिंग के जैसे मतलब यानी आपकी मर्जी है ये है ऑप्शन है आप बात को समझ रहे हैं इस चीज़ को ओवर कॉशियस है वो मैं हाँ, समझिए तो ये है कि जो शुरू में ना इनमें रिलीजियस तबके में भी एक इन मामलों में फिर यूनिटी नहीं थी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अगर जो थे ना जो एहतियात से जो माइक या कोई इस तरह की कोई या वैक्सीन आई तो उसके बारे में वो कुछ भी कहने से भी मुहताद थे कईयों ने उसको नहीं कहा और कुछ उन्होंने सेफ साइड पर रहते हुए अपने आप को बचाते हुए उसे कहा कि भाई इसे दूर रहो डू यू गेट इट क्योंकि अगर वो उस पर कोई बात कर देते हैं ना तो वो एक किस्म की एक हतमी फतवा हो जाता है जैसे एक डॉक्टर होता है बहुत एहतियात करता है कि मैं कोई डाउटफुल बात ना करूँ पेशेंट मारा गया तो फिर इसमें अब देखें इससे ज़्यादा खतरा देखें फॉर एग्जाम्पल वैक्सीन का मामला है वैक्सीन की क्या रिसर्च पूरी हुई हुई भी है अब फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस ऐसी चीज़ है जिसके अंदर अभी साइंटिफिक मेथड से आप पूरी तरीके से फैक्टर्स हमारे पास सामने नहीं हैं और अगर आप पुश करें ऐसे मामले मौ पे कि रिलीजियस कम्युनिटी को कि आपको फ़ौरन कोई वर्डिक दे आइए टू और फ्रो तो आप खुद भी आप देखें कि आप किस पैरामीटर्स पर वर्क कर रहे हैं यहाँ पर वो ऑब्वियसली जब तक जिसकी साइंस उसका हार्म और उसका बेनिफिट क्लियर नहीं हो जाता या एक लेवल ऑफ सर्टेनिटी तक नहीं चला जाता तब तक आप ना करें कि एक वहां से, एक से आपको फॉरन जवाब मिले तो हम कैसे उसके बारे में तो सकते इस वजह से इस केयरफुलनेस एटीट्यूड की वजह से आप देख सकते हैं कि कई दफा यहाँ पर ड्रॉबैक आता है टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करने में

के कुर मजीद बिल्कुल बात करता है और कर्न मजीद को बयान करना हर वो चीज़ जो कि इंसान को अल्लाह के करीब करती है किसी भी एस्पेक्ट से देखें अल्लाह तला की तरफ रस्ते कहीं जाते हैं एक नहीं है देर आर मल्टीपल वेज़ दैट गो एंड देर आर मल्टीपल रीज़न हर बंदे को अपने अंदाज से एक फिजिजिस्ट लैब में हो सकता है किसी और तरीके से उसका ईमान जो है वो बढ़ रहा हो मेरा ईमान किसी और तरीके से बढ़ता है हर बंदे का अपना होता है तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि एक बंदा साइंस को पढ़े हमारा सिर्फ असल में कंक्लूजन ये थी कि, कि कुरान मजीद से हम वैसे और कुरान मजीद से इंस्पिरेशन लेने में भी कोई मसला नहीं है साइंस के केवाले से कुरान मजीद हमें तहकीक की बल्कि के क्या करते हैं बताते हैं कि जी साइंस के आप जो है ना इसको स्टडी करें ऑब्ज़र्वेशन करें कुरान मजीद की आयात कोट करते हैं अहाली कोट करते हैं लेकिन हमारा सिर्फ ये मसला था कि हमारा पूरी कंक्लूजन ये है कि कुरान मजीद के साथ इसको रिलेट ना किया जाए अनलेस के कुछ कंडीशन फ़ुलफिल हो जाए पुरानी मजीद से भी रिलेट किया जा सकता है ऐसी बात भी नहीं है जैसे कि तफसीर बिर राय के ज़ुमरे में आप ला सकते हैं लेकिन तफसीर बिर राय कहा जाता है कि किलमाँ करें हाँ आप ये कर सकते हैं किसी आलिम ने कही हुई है तो आप उसकी बात को कोट कर सकते हैं डेफिनेटली कर सकते हैं और एक आम बंदा भी कर सकता है आम भी लेकिन वो ये इस अप्रोच को पहले समझे और ये मेक श्योर करें कि जिस आलिम ने बात की है वो वाकई इस मसले को भी समझता हो क्योंकि ज़रूरी नहीं कि एक मसले एक आलिम ने इस अप्रोच को भी किया हो कि हर बंदा परफेक्ट तो नहीं होता नॉलेज में तो ने कुछ प्रिंसिपल्स बयान किए हैं साइंस को मेंशन करने के हवाले से साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन के मैं उसको लिस्ट डाउन कर देता हूँ <coughs> ये तकरीबन सात प्रिंसिपल हैं पहला प्रिंसिपल वो ये कहते हैं कि वो एक्चुअल साइंस होनी चाहिए यानी इट स्टूडेंट भी एक सिर्फ जिसे कहते हैं ना अभी बिल्कुल ही ऐसा जिसको साइंटिफिक कम्यूनिटी भी नहीं मान रही एंड इट्स जस्ट यानी एक ख्याल है फरसूदा ख्याल है तो आप उसको मैंशन करना चाहिए क्योंकि जस्ट बिकॉज इट्स अमेजिंग इट साउंड वेरी गुड

कॉन्ट्रडिक्ट ना करे उसके मुखालिफ ना हो मिसाल के तौर पे कई लोग जो है एवोल्यूशन को फॉर एग्जांपल कुरान से साबित करने की कोशिश करते हैं अब ये बड़ी प्रैक्टिकल बड़ी टिपिकल एग्जांपल है जो चीज़ ज़ाहिर है हम चाहते हैं कि सलफ़ की इतनी क्लियर इस बारे में इंटरप्रटेशन मौजूद हैं जिसको शायद इस, इस हवाले से फैसिलिटेट नहीं किया जा सकता जी। लेकिन मगर अगर सलफ खामोश हैं फिर बयान किया जा सकता बिल्कुल बयान किया जा सकता है तीसरा उन्होंने कहा कि आ, वो अरबिक लैंग्वेज जो है फॉर एग्जांपल अरबिक लैंग्वेज उसको जो है ना अलाउ करें यानी वो वर्ड अगर आप एक्सप्लेन कर रहे हैं और बता रहे हैं इसका मीनिंग ये है तो ये ना हो कि वो अरबिक डिक्शनरी या ग्रामेटिकली या अरबिक जो लैंग्वेज है वो उसको एक्सेप्ट ही ना करे तो इसको अकोमोडेट कर अकोमोडेट कर रहा हूँ जैसे कि इन्होंने कहा ना कि नुन मजीद की वो अल्फाज में इतनी वसूत हो कि वो उसको उसको अकोमोडेट कर रहा हूँ इसी तरीके से उन्होंने ये भी कहा कि उसमें तकल्लुफ़ ना हो बात हम बहुत ज़्यादा खींच के ज़बरदस्ती बना रहे होते हैं जो रिलेशन बनता नहीं है फॉर एग्जाम्पल जैसे और बाजूक कॉन्टेक्स भी बिल्कुल मुखालिफ होता है कॉन्टेक्ट किसी और तरह का होता है लेकिन हम बात कोई और कर रहे होते हैं इसी तरीके से उन्होंने कहा कि ये क्लेम नहीं करना चाहिए कि यही इसका मतलब है जैसे कि अहमद भाई ने भी शुरू में कहा कि अगर हमने कह दिया कि यही मतलब है फिर हम पूछेंगे अच्छा जब तक ये डिस्कवर नहीं हुई फिर उसका मतलब कुरान का क्या मतलब था hmm. तो hmm. यानी इसका मीनिंग जो है वो आप कंफाइन ना करें उसमें आप कहें पॉसिबल इंटरप्रिटेशन ये हो सकती है इसको एक वो जी थे उन्होंने साबित किया जी कि मेरेकुलस नंबर है कुरान बाद में पता लगा कि उन्होंने कितना तकल्लुफ और एग्जैजरेशन की फिर अपने मतलब की चीज जो है वो निकाली हुई थी और फिर वो बड़ा शर्मिंदा हुआ मुस्लिम कम्युनिटी और बकायदा एक दो वर्सेस उसमें वो पूरी नहीं उतर रही थी उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि छठी चीज उलमा ने बयान की वो ये की ये करने वाला कैपेबल हो यानी जो बंदा ये कर रहा हो वो क्वालिफाइड हो ऐसा ना हो कि वो ना साइंस का उसको पता हो ना उसको अब इसका मतलब ये नहीं कि वो एक्चुअल साइंटिस्ट हो बहुत बड़ा फिजिस हो, हो या बहुत बड़ा मुफसर हो नहीं लेकिन वो कम अज़ कम इतना काबिल हो कि वो कुरान मजीद की आयात का मफहम समझ सकता हो और वो साइंटिफिक फिनमिना को भी समझता हो उसकी रियालिटी को भी समझता सही. हो और आखिरी चीज़ जो सेवन्थ वो ये है कि इसको कुरान मजीद की हकानियत के लिए ना प्रूफ पेश किया जाए इसको एज एन एविडेंस के तौर पे, जैसे मिसाल के तौर पे हमने आपने मिसाल दी ना कि हम उसको यानी एक साइंस बयान करें और उसको फिर अल्लाह ताला की इससे बताएं कि अल्लाह ताला की मख़लू अल्लाह ताला की कुदरत कितनी बड़ी है आप पेश कर सकते हैं कि जी आप बेसिकली कुरान बयान करें लेकिन आप कहते हैं अच्छा देखें एक साइंटिफिक फिनमिना भी है इस तरह का फॉर एग्जाम्पल और एक होता है आप कहते हैं नहीं जी कुरान मजीद इसलिए साबित होता है बिकॉज ये चीज कहती है बिल्कुल नाउ आपने उसको क्योंकि ये चीज अगर चेंज होगी इसका मतलब फिर आपका पूरा जो प्रेमिस ऊपर कर दिया कुरान को नीचे रख दिया तो ये सात प्रिंसिपल प्रिंसिप्लम ने बयान किए इसकी तफासील बहुत हैंवियसली इस हवाले से किताबें भी बहुत मौजूद हैं अरबी में भी इस पर काम हुआ है माशा और इंग्लिश में और उर्दू में भी इन कोशिश है हमारी कि इन शे हम कोई काम प्रजेंट करें सुन नफ़ तो मेरा ख्याल है कंक्लूजन यही है मैं अलहमदिल्ला यहाँ से कंक्लूड करता हूँ सारे भाइयों से कि आज हमने जो बात की उसमें ये बात की थी कि नेसेसरी ये जो अप्रोच दावा के अंदर यूज़ की जा रही है इसके फ़ायद भी हैं और हम बहुत से इंस्पायर भी हुए लेकिन इसकी कुछ प्रॉब्लम्स और लिमिटेशंस भी आई उनको लिमिटेशन को भी हमने जिक्र किया और हमने कहा यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम डिफ्रेंशिएट करें बिटवीन साइंस एंड वट इज़ एक्चुअली नॉट साइंस यानी ऑब्जर्वेबल फनोमिना या ऑब्जर्वेशन और साइंस में हमें फ़र्क करना चाहिए इन दोनों में फ़र्क है और साइंस की कुछ लिमिटेशन्स हैं वो जो लिमिटेशंस हैं वो साइंस की ब्यूटी भी है वो उसकी स्ट्रेंथ भी है और हमने ये भी बात की कि बिल्कुल इस तरह कट डाउन कर देना कि कोई बंदा साइंस की बात ही नहीं कर सकता ये भी प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है आखिर हम इस दुनिया में रहते हैं और बहुत सी चीज़ें ऐसी एरियाज़ हैं जहाँ पर साइंस और ऑब्जर्व ओवरलैप कर रही हैं तो नेचुरली इजाजत देते हैं लेकिन उलमा कुराने मजीद की को महफूज करने के लिए प्रिजर्व करने के लिए कुछ चेक्स रखते हैं और वो चेक्स मैंने आपके सामने पेश किए हैं उम्मीद है ये चीज़ आपके सामने इंशाल्लाह क्लियर होगी मिलते हैं आपसे इनशाला अगली अपिसोड में जजाकल्ला वरह व